रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुध हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सो भाइयों बहनों मित्रों, वेलकम टू टुडेज इवेंट। आज का नाम रखा है वर्कशॉप रीडिंग रामचरितमानस विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये रामचरितमानस को हम सही उच्चारण के साथ कैसे पढ़ें। करीब 5-7 मिनट पहले मैं बात कर रहा था, जो लोग जुड़ रहे थे, कि इट्स ए काइंड ऑफ एन एडवेंचर फॉर मी टू डू ए वर्कशॉप लाइक दिस, एंड इट इज मोर एडवेंचर फॉर यू टू कम एंड लिसन टू मी। सो आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत बताई कि मेरे जैसे मूड को सुनने के लिए आ गए इस वर्कशॉप में। तो इसका लेट मी जस्ट गिव यू लिटिल बैकग्राउंड, व्हाई, व्हाट व्हाट इज द मोटिवेशन। मैं दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों के खिचड़ी भाषा में बात करूंगा। तो अभी जो अपने रामचरित मंथन ऑनलाइन करीब 4 महीने से मैंने शुरू किया, 4.5-4.5 महीने होने आए, तो हमने 3 इवेंट ऐसे किए सब लोगों ने मिलकर कि जिसमें रामायण का पठन था। जैसे एक किया था पहला अखंड अखंड रामायण ऑनलाइन 24 घंटे का। उसके बाद में वी डिड सुंदरकांड बाय यूथ अंडर 40, उसमें 6 साल के बच्चे से लेकर 40 साल तक के युवा थे। उसमें आई थिंक 33 पीपल टुक पार्ट। उसके बाद में फिर श्रावण मास का मास पारायण किया, राइट। तो उसमें रोज 30 दिन तक 30 लोगों ने रामायण का पठन किया। ये तो रिसेंट एक्सपीरियंस अभी अब मेरा है। इसके बावजूद यहाँ पे ह्यूस्टन में जहाँ मैं रहता हूँ, और अब सब जगह यहाँ कोई नई बात नहीं है, आए दिन रामायण के पाठ होते रहते हैं। या तो हर शनिवार को सैटरडे सैटरडे लोग सुंदरकांड करते हैं, या अखंड रामायण होती है, नवा या कुछ कुछ चलता रहता है, और लोग बड़े भक्ति भाव से आके पाठ करते हैं। सो दैट्स गुड थिंग। पर उसमें आई हैव ऑब्जर्व कि मैनी ऑफ अस मेक मिस्टेक इन रीडिंग वर्ड्स। अब आप कहेंगे उसमें क्या हो गया, गलत पढ़ लिया तो पढ़ लिया ना, मन का भाव होना चाहिए, विच इज ट्रू, आई एग्री विद दैट। अगर मन का भाव नहीं है और ऐसे ही रूटीन पढ़ते जा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है। सो भाव इज सर्टनली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर मैं ये कहता हूँ, अगर भाव है और हम अपना उच्चारण सुधार सकें तो सोने में सुहागा, उसका पढ़ने का आनंद भी बहुत आएगा। अब ये सुंदरकांड में, इवन मास पारायण में, सुंदरकांड में नहीं, मास पारायण में, और या सुंदरकांड जो बच्चों ने पढ़ा था उसमें मैंने देखा कई लोग थे रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दर लाइफ। उन्होंने कहा मुझे, पहले लोगों से मेरी फोन पे भी बात हुई थी कि मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट आई एम स्केयर्ड बिकॉज आई एम नेवर रेडी, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। एंड दीज वर पीपल ऑफ ऑल एजेस, ऐसा नहीं था कि कोई बच्चे ऐसा कह रहे थे, देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट माई एज वेर सेइंग दैट कि हमने कभी ये रामायण पढ़े नहीं एंड फर्स्ट टाइम रीडिंग में, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने आई ऑलवेज इंकरेज दैम, वी आर नॉट कम्पीटिंग, वी आर नॉट डूइंग सम शो, आपका मन का भाव पढ़िए क्या है। सो इफ यू कैन रीड इट विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट विल बी आई थिंक लॉट मोर फन एंड लॉट मोर एंजॉयमेंट। सो दैट इज द मोटिवेशन, बिकॉज वी हैव सीन दैट एवरीवेयर एंड वी हैव सीन इट इन अवर इवेंट्स। सो दैट इज द मोटिवेशन कि हम रामचरितमानस को अपने एक हिसाब से पढ़ें ताकि हम सही पढ़ें, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस आइडिया इज फ्लोटेड। और एज यूजुअल हमने लोगों से गूगल फॉर्म भरवाया, ब्यूरोक्रेसी काफी बढ़ा दी है हम लोगों ने यहाँ पे, पर उससे कम से कम वी डोंट मिस एनीबडी, अदरवाइज व्हाट हैपेंस, पीपल से आई एम इंटरेस्टेड देन वी लूज ट्रैक एंड ऑल दैट। तो टू कंट्रोल दैट दैट वी डोंट लूज एनीबडी, वी स्टार्टेड गूगल फॉर्म।
और उसमें आई थिंक आज वेरी अर्ली मॉर्निंग तो आई थिंक 85 पीपल हैव एक्चुअली रजिस्टर्ड एंड उसके बाद में पिछले 5-6 घंटे में क्या हो तो आई डिडंट सी इट, अब उसका कोई जरूरी भी नहीं. एंड से राइट नाउ आई सी 38 पार्टिसिपेंट. सो इसमें यही होता है कई बार लोग भर देते हैं फॉर्म पर दे आर नॉट सीरियस और दे चेंज देयर माइंड. So I mean attendance of 38 is I think is a very good attendance. So if 50% people even show up after the registration, I would consider that's a very good attendance. So aap log isme bahut ruchi rakhte hain. So this is the background. Ab jaise main pehle abhi bata raha tha aapko, let me put some disclaimers. Na to mujhe koi bhasha ka gyan hai, na koi meri bhasha mein degree hai, na hindi mein hai, na avadhi to bahut dur ki baat hai. नहीं मुझे कोई रामायण का ज्ञान है, मैं बस एक विद्यार्थी भाव से पढ़ता हूँ हमेशा. एंड आई कंसीडर माई सेल्फ एज लाइफ टाइम स्टूडेंट फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट दिस. तो उसी में आनंद है. आप जैसे विद्वानों के मैं हमेशा सलाह लेता रहता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ एंड यू आर ऑल वेरी हेल्पफुल टू मी. सो अभी जैसे मैंने एक्टिव रूप से इनको मीनिता झुका है, निरंजन झुका है कि आप मेरी आप जरा मदद करिएगा, मैं बहुत नर्वस हूँ. तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, चढ़ जाए बेटा सूली पे. तो पर ये सब ये रिक्वेस्ट मैं आप सबसे कर रहा हूँ, दैट यू प्लीज गाइड मी. इट्स वर्कशॉप, वर्कशॉप का अर्थ हम लोग मैनेजमेंट में वर्कशॉप बहुत करते रहते हैं. आप लोगों को पता है, कई लोगों को पता ना हो कि मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ. तो वर्कशॉप करते हैं और उसमें लोगों को हम ऐसा प्रटेंड करते हैं कि लोगों को सिखा रहे हैं और वो ऐसा समझते हैं वो सीख रहे हैं. तो इससे दाल रोटी निकलती रहती है. क्यों मैंने जी ठीक कह रहा हूँ. तो वर्कशॉप में वी ऑल वर्क टुगेदर, राइट. सो बीच बीच में इसमें आप जब भी बोलना चाहें जस्ट गिव मी सम सिग्नल. अनफॉर्चुनेटली आई कैन सी ओनली वन स्क्रीन एट अ टाइम. सो अभी मैं फर्स्ट स्क्रीन में देयर आर 40 पीपल राइट नाउ. सो भाई आपका but keep it relevant to today's discussion, you know, don't to get digressed to something else. to shuru kare ji bilkul shuru ha to pehle shuru kare uske pehle anybody has anything to say before we even get started. om ji aapka face dikhta hai, thoda sa uncha kijiye apna face, pura dikhaiye na pura dikha. main logon ko darana nahi chahta. भाई साहब मैंने वही मैसेज आपको भेजा कि थोड़ा सा कैमरा टिल्ट कर लो क्योंकि आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं. ये कैसा है अब, ठीक है? फिर जो पढ़ते हो सुनने का नहीं ना, आधा होश नीचे चला जाएगा. तो ठीक है, हाँ एकदम ठीक है, परफेक्ट. अभी पिछले सप्ताह नया कंप्यूटर मैंने लगाया, क्योंकि पुराना कंप्यूटर है तो मेरे से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया, तो बिल्कुल उसने चलना बंद कर दिया. तो थोड़ा इसको मैं भी आई एम ट्राइंग टू, बट दिस बेटर है बेला जी. Thank you. Yeah, that's fine. Item सही है, perfect है. Thank you. Thanks. Yeah, available. Thanks. Anything else? Are we going to follow any books? Yeah, we will follow something. But if you don't have anything with you, don't worry. If you have a copy of Sundarkand with you, that will be helpful. But we don't need it. If you don't have it, don't worry. Okay. And I have also emailed a copy of Sundarkand in Excel sheet format to those who have registered till yesterday. But as I said, if you don't have it, don't worry about it. We don't really require. Okay. All right. Anybody else has anything? Okay. So I'm going to use today some PowerPoint slides. जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई हैं. तो इसको अब स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं भैया, कहाँ गया? नीचे हरा बटन है. हरा बटन, थैंक यू यार. शेयर स्क्रीन तो वो मैंने वो तो बोला ही नहीं अभी. अच्छा, लेट मी सी. आई डोंट थिंक यू वांट टू रीड ऑल दिस मैसेजेस. अब इसमें है कहाँ पर, दिस इज नॉट द देख रही है स्लाइड. ये स्लाइड विजिबल. ओके, वेरी गुड. ओके, चलो एक दो तो याद तो फालतू स्लाइड. सो पहले तो सम डिस्क्लेमर्स.
So I already admitted I'm not a subject expert, nor I, so I expect everybody to get involved and, you know, talk about relevant things. This is not a class on grammar, although we'll talk a little bit about grammar, particularly the Chand Rachana in Hindi, but we will not be giving very precise definitions, you know, because now we are not passing some exams. And so, see, aap phir kya goal kya hai? Our goal is essentially that we should be able to read what is written correctly. That's the goal. So, and mainly we'll focus on Chopai, Doha, and Sorota, because Chopai, Doha, Sorota, I did not do a actual count, but these three make up probably 95% of the Ramayana, if not more. So, if I'm 95% say padh lete, then, you know, bahut chas gor ho gaya hamara. So, other things, we can talk if there is time, but we will mainly spend time on ki hum log Chopai theek se padh paaye, Doha theek se padh paaye, Sorota theek se padh paaye. So the objective of today's workshop is to identify common mistakes in reading these three things, Chopai, Doha, and Sorota, with correct pronunciation and how to correct them. So now, how do we know what are the common mistakes, you know? And that I think comes from when I listen to people, listen to myself, that, you know, what kind of mistakes are made. So let's see ki manas ki rachna kaise hai. See, manas is ultimately the poem, right? It's a long poetry, you know, which is as he wrote. So it he has written in form of meters. Is chand rachna kehte hain jo vyakaran mein isko. So it's a meter or chand, in angrezi mein meter kehte hain, hindi mein chand kehte hain. To unhone ek to har us ramayan mein aap hum sab jante hain, when I use the word ramayan here, we are talking about ramcharitmanas. So ramcharitmanas ramayan we will use interchangeably. जो वाल्मीकि जी का भी जो रामायण ओरिजिनल रामायण है, फर्स्ट रामायण ओरिजिनल जो फर्स्ट कहना ज्यादा बेटर है, उसमें भी संस्कृत में चंद रचना है, उसके भी संस्कृत के चंद हैं, पर वो अपने आप में अलग विषय है. I will definitely never venture there. So इसमें भी तुलसीदास जी ने सात कांड में रामचरितमानस की रचना में इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी कांड उन्होंने श्लोक लिखे हुए हैं, संस्कृत के श्लोक है. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट एट ऑल टुडे. बाकी जो है रचना है अवधि भाषा में उन्होंने लिखी है, एज वी ऑल नो. It is, we can say, Hindi of that time in that region, right? जो अवध अयोध्या के आसपास 100-200 किलोमीटर की रेडियस में जो भी रीजन है, शायद उस तरह की भाषा बोली जाती थी. अब अवधि रचना में he has used different meters or different type of chand. And main chand is Chopai, as we all know that, you know. तो अक्सर लोग, you know, दोहे को चौपाई कहते हैं, चौपाई को दोहा कहते हैं, they get mixed up. So, पर मेन छंद चौपाई. तो इसलिए कई लोग इसको रामचरितमानस रामायण को चौपाई रामायण भी कहते हैं. चौपाई रामायण यू रियली मीन बाय दैट इट इज रामचरितमानस. सो दैट इज द मेन मीटर. द सेकेंड मीटर इज दोहा. सो उसके बाद में सोरठा, करीब 90 के आसपास सोरठा है सारी रामचरितमानस में. और उसके बाद में कई और छंद हैं. और रामचरित मानस की कोई भी आप कॉपी लाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू नो, शो इट हियर, यू सी, यू कैन सी दैट कॉपी आई एम शोइंग. सो उन्होंने जो प्रिंटेड कॉपीज है उसमें जहाँ चौपाई है वहां तो लिखा हुआ है चौपाई वर्ड, चौपाई या सिर्फ चौक बिल्कुल स्टॉप, या दोहा है वहाँ दोहा लिखा है. पर जहाँ छंद, जो छंद बाकी है उनमें सिर्फ छंद ही लिख दिया है, पर वो अलग अलग छंद के प्रकार हैं. So, but again, we will probably not talk too much about those. They are important. They are unka apna ek role hai. And maybe one of these Saturdays we'll talk about ki un chandon ka kya role hai. Ramcharitmanas mein un alag alag chandon ka dusre jaise ne shayad prayog kiya to kis liye kiya hai. But that's a separate topic altogether. Okay, let me pause for now. Any question? अगर आप हाथ वगैरह खड़ा करेंगे, I may not be able to see you. So if there anybody any question, just start speaking. कहीं नरेंद्र जी, दोहा और सोरठा में मूल अंतर क्या है इस पर? we are coming to that. हाँ, उस पर तो मार रहे हैं. तो इतना टाइम हम कैसे पास करेंगे?
ऑलराइट, तो ये जो छंद रचना है ये स्वर छंद में स्वर और व्यंजन के हिसाब से अलग अलग रचनाएं होती हैं। तो ये स्वर पे स्वर की रचना है, तीनों चौपाई दोहा और सरोठा। अब स्वर क्या है? नाउ व्हेन वी वर चिल्ड्रन आपको याद होगा कि हमको स्कूल में पढ़ाया गया आ आ ई ई ऊ ऊ ए ए ओ वगैरह, अब मैं सारा लिख नहीं रहा है उसको, तो इनको हम कहते हैं स्वर हैं। और इन इंग्लिश वी कॉल देम वॉवल्स, राइट? इन वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स आर द फाइव वॉवल्स ए ई आई ओ यू। सो सिमिलरली हियर देयर आर दीस वॉवल्स आ ई ई ऊ ए ओ वगैरह, एक्सक्यूज मी। द रेस्ट आर कॉल्ड व्यंजन व्हिच वी कॉल कंसोनेंट इन इंग्लिश, राइट? So like ka, kha, ga, cha, cha, ja, ya, ra, la, vagara, they are all a vyanjan. In English, it will be A, B, not A, sorry, B, C, D, and then F. So other than those five, remaining 11 are, 21 are consonants, so vyanjan. Now when we say this swar or vowel, so like there are two forms. So just A hai to A and A as you see on this screen. So one is a short vowel or laghu swar or a hrsva swar, to main usko laghu kehta hu, kehna mein easy padta hai, aur a is the dirgh swar, so short vowel and long vowel. So a kehne mein kam samay lagta, a kehne mein thoda zyada samay lagta. I will try to explain these things in a very simple layman's language rather than a very technical grammar language, you know, because our purpose is not to learn grammar, purpose is to read correctly. So let's say I have given some examples like ram. अब्राम इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज, पर चलो कोई बात नहीं, अब्राम है तो है। तो रम में र इज अ शॉर्ट अ र एंड म इज अ शॉर्ट अ म, रम रम, सो इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम। बट नाउ इफ र बिकम्स अ लॉन्ग अ देन इज अ रा, सो इज अ राम, ऑफ कोर्स यू नो वी नो राम वेरी वेल, और एट लीस्ट दैट्स व्हाट वी थिंक। सो रा म राम, तो इसमें र हैज अ लॉन्ग अ और दीर्घ अ, राइट, और लॉन्ग वॉवेल इफ यू कैन यूज, एंड म हैज अ शॉर्ट वॉवेल, सो राम। और इट कुड बी रमा वेयर र इज शॉर्ट एंड म इज लॉन्ग, और इट कुड बी रामा। अब हमारे जैसे दक्षिण भारत के मित्र हैं, दे जनरली टेंड टू कॉल इट रामा रादर देन राम, राइट? एंड पीपल फ्रॉम नॉर्थ स्टार्ट्स, और क्या हुआ, समथिंग आपकी आवाज आ रही है, स्लाइड प्रेजेंटेशन चली गई है, वापस से वो करना पड़ेगा। ट्राई टू शेयर योर स्क्रीन अगेन, लेट्स सी, हां चलो ठीक है, थैंक यू। Yeah, this is back. So Rama is like hamare jo south indian mitra, most of them will say ram is rama, right? And but for again there are many reasons for that, but that's not important. So there are four different words sounding similar but they're different: ram, ram, rama and rama, right? So now if suppose the word is written ram and if I read as rama, then I am not pronouncing it correctly, galat uchcharan kar raha hu, theek hai na? If the word is written as Rama and if I'm reading as Rama, then I'm pronouncing it incorrectly. So our goal is to, if it is written Ram, I should read as Ram. If it is written Rama, I should read Rama. We want to read as is written in this book. जो उन्होंने लिखा हम उसको कैसे सही पढ़ें, that is the goal of today's session. So if somewhere here I find if it's Rama, I want to read as Rama, not Rama or Ram or Ram. Or something else. That's the goal. So now you see some numbers below this, right? So Rama means Ra has just short sound, so it is equal to like one unit of time, if I may use the language for our understanding. So Ma is also short sound, it's a one unit. So one and one, two. But Ram, Ra is long sound, dirgh swar hai, to uske liye do unit of time, if I can use that word loosely. And ma is one, so 2 + 1 = 3. This is 1 + 2. Rama and Rama is 2, 2, 2. Okay, so far, am I making sense? Any question?
So periodically, I'll ask you a question. Don't see the significance of the 2 and 3 and what you just described. No, I'm just explaining that. So now let's look at this. So I'm going to take example. So I thought, you know, let me take example just from Sundarkand, because that is read more widely than the rest of the Ramayana by those who read. And what we'll talk about lines of Sundarkand, same thing is applicable anywhere. So this is the line in Sundarkand. The eighth line, say this is a notation that some time back I was instrumental in developing, which provides a unique code to every line of Ramayana. So five means, let me explain for a second. Five means Sundarkand. One means Doha number one. And conventionally it is above Doha number one, because Dohas are all numbered in Ramayana copies. You know, any Ramayana copy you buy, it will always have 1, 2, 3 in Doha number. But in Chopai, there's no numbering. And C means this is Chopai, C for Chopai. And eight is eighth line. So it is a Chopai which is above Doha number one and eighth Chopai. So, but even if you don't understood what I said, or if I didn't say it correctly, that's not very important. I have an article on it. Those of you interested, I can email that to you. So this line is Jim Amog Hiragupat Karabana Ehi Bhad Chale Hanumana, right? So if you read it correctly, this is how I'm going to read. Jim Amog Hiragupati Karabana Ehi Bhad Chale Hanumana. Now let's notice few things. Number one, I put some in color, red color. So this gha is a sound which is short sound. So it's one, right? Then ka is a short sound, so one. You can see my arrow, right? Cursor is visible? Yes. An R or R gano, ra is a short sound, one. But ba is a long sound, right? So that is two. Na is a long sound, dirgha, so two. Same way everywhere here. Ha, one, ma, two, na, two. I'm just focusing on those letters which are ending with a or a. Other I'm not focusing, because they are all in black. So we'll address to them in subsequent slides. So we have this count. Now this I did not address, but let's just see. So in the first line, so this is the Chopai, right? And we'll define Chopai later on. So we can count the number of vowels in each part. So this is how we count. How do I count for rest? I'll explain subsequent slides. So this is the count of vowels in a Chopai, right? That's how we count. So now let's move forward with the same thing. Okay, now let's move to the next vowel, which is E. Agla sir, swara E. Jaise hum log padhte hain school mein. A, A, E, E. Haan, boli Panju sir. सर इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए आप कर लो ओके F8 F5 स्लाइड शो वाले पे क्लिक कर देंगे तो भी चलेगा हाँ दैट्स गुड यू कैन जस्ट प्रेस F5 ना ये पढ़ने से भी नहीं हुआ ऐसे ओके हो गया सर चलो थैंक यू आई नीड दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस थैंक यू ना मुझे भी अच्छा लग रहा है देखने में So, next set of vowels in Hindi alphabets, then E. So again, E has two same kind of sounds, short sound and long sound. You know, laghu swar or dirgh swar. So now let's look at this forward. So this is small E, if I can use a English thing, small E and big E. You know, capital or small K and capital K, something like that. You know, it's not exactly that, but something like that. So this is a small swara and a big swara, dirgh swara, laghu swara. So now let's look at the example like har, hari, hari, har. Right? I mean, all these words are there, I think. You know, they may not be even there in Ramayana, but that's not important. So now, ha, we just learned it is one, like ha is like a, right? Ha, just ha, so it's one vowel. Ra with a small e. This is sign of small e. This symbol we are using for small e. Right? Or we could have written ha, ra, e. Too much to write, so our grammarian developed symbols. So rather than writing e, we will just use this symbol. So har, hari.
Right? So small sound. So now we don't want to read as Hari. It's not Hari. It's Hari. It's like almost like her, but just little twist to E. But not much. So it's a her. So her, her. But if you want to say Hari, there's a Hari Mirchi, right? If you want to say that. Hari Mirchi, yeah, Hari, 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 Hari Sadi, yeah, you know, Jovi. So then if the ha is just one vowel, Hari is two vowels, right? So it is, this will be a long word, longer than Hari. Hari, Hari. Now again, I'm a little bit digressing from the topic. Now these two mean completely different things. Hari, Hari we use for Bhagwan Vishnu or Vishnu ki jo bhi avatar hai, right? But what about Hari? Now Hari can be used for obviously color, right? You know, Hari Sade, Hari, 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 Hari Sabji. Otherwise, Hari is used for Bhagwan Shiv. So ye Bhagwan Vishnu and Bhagwan Shiv. So but that's again, today we are not learning about the words, and if there is some interest, someday we will have a workshop on the words. So Hari, Hari, or Hari, right? I'm sure Hari, Hari is a word somewhere in Manas. So Hari becomes like two. Ha is a long sound, and Ri is a long sound. So Hari. So if Brahman mein likha Hari aur hum usko padhte hain Hari, then we are making mistake. Now what happens when you make mistakes? And I'll talk about it later on. Then your whole rhythm of singing breaks. See, halanki we are saying that we are reading Brahman, but in reality we are not reading Brahman. Reality we are singing Brahman. जो जिसके जैसे गाने की क्षमता हो, नॉट ऑल ऑफ अस आर ग्रेट सिंगर्स, राइट? हम कोई सब कोई मुकेश और लता मंगेशकर नहीं है, पर ठीक है, हमारा जैसा भगवान ने हमें दिया उस प्रकार से गाते हैं हम, पढ़ते नहीं है रामायण को, राइट? तो हम उसको गाना चाहते हैं, तो गाओगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें तुक और लय और वो सब, मेरे को इसका कोई ज्ञान, गाने का भी कोई ज्ञान व्यान नहीं है, पर हाँ, उसको जिस हिसाब से वो लिखा है उस हिसाब से आप नहीं गाओगे तो फिर आपको कहीं नहीं लगेगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ पढ़ने में. So that is one of the major reasons why we should pronounce correctly. तो उसमें क्या होगा कि गाना हमें जब गाएंगे ना तो वो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या अटक रहा हूँ या कुछ समस्या हो रही है. एंड यू योर सेल्फ विल फील कि मैंने कुछ गलत पढ़ा है. यू नो, इट जस्ट हैपन्स. सो लेट्स रीड दिस लाइन. ये सुंदरकांड में 5 इज सुंदरकांड, 3 इज दोहा नंबर 3. And this also Chopai, C for Chopai, and in the fifth line above Duha number 3. So, Tahe Mar Marat Siddh Bira, Barad Par Gayo Mat Dira. So, if my E short or long comes multiple times. A Tahe. Tahe is a Chota E, right? So, that's one. Mare, one. B is Bada E, or Dir E. So, like this. So, Bira. Now, Bira, not Bira. So suppose you read like Bira, then you are short. But Bira, that means you are long. So B is 2. Then Ri, Chota, and Chota, 1. Mati is 1. Dhi, capital, 2. Right? So this is how this counting has to be done. Right? So now in all that, everybody like this, Ta is 2, which we just learned a minute ago. Ma is 2. Ru, this is Chota Ru. Marut. 1. And I'll talk about who as we come along. So this is how we do this counting. And why we are talking about it, it will become clearer when we talk about Chopai, Doha and all that stuff. So isme agar ab jaise main isko padho, Tahe Mar Mar Sidh Bira. If Tahe ki jagah if I read it capital, then I'll read it Tahe Mar Mar Sidh Bira. Tabhi mera atak jayega padhne ka. If I say Tahe Mari Mar Sidh Bira, so then you will find that you aap kuch padhne mein gadbad kar rahe ho. Khud ko feel ho jayega, because then you are just not reading it right. Okay. Any question? Anybody, any question? I cannot see anybody's face, just except for 3-4 people. So if anybody has a question, please speak up. Bhai sir, jab aap bol rahe hain to mujhko anustap chand ke bare mein batayega ki uska meter, kyunki jitne bhi hamare scriptures sab do hai. आशा जी, अनुष्ठ चंद के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है आज. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. गोल इज टू लर्न हाउ टू रीड. ओके, मेरे का छंद के बारे में आप जैसे कह रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम. चौपाई, दोहा एंड सोरठा. तो अगर ये तीन को हम तक सीख से पढ़ लें, वी हैव कवर्ड 95%. लेट्स मूव ऑन. सो थर्ड अल्फाबेट
in this series is U in the alphabet system. So A, A, E, E, U, U. So again, small U or lower U, capital U, if you compare with English. But these are not, you know, Hindi mein capital small ka koi chakkar nahi hai. Sare akshar ek barabar hai. You know, Angreji mein to unhone aksharon mein hi bhedbhav kar diya. Ki ye chota hai, ye bada hai. Kam se kam humare yahan, vaise to bhale hi bhedbhav ho, par aksharon mein bhedbhav nahi hai. Sab ek jaise, sabko barabar ki jagah milti hai. अंग्रेजी अक्षरों में कोई ऊपर बैठता है, कोई नीचे बैठता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है. ओ छोटा हो और बड़ा हो. अगेन दिस इज अ शॉर्ट साउंड, दिस इज अ लॉन्ग साउंड, है ना. सो ओ, सो नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड गुरु विच इज वेरी कॉमनली मिस स्पेल्ट एंड मिस प्रोनाउंस्ड. अब गुरु तो भी जानते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु जी संस्कृत में, राइट. ऑल द टाइम गुरु इज यूज्ड, द वर्ड यूज्ड इन सो मेनी टाइम्स इन रामचरितमानस. So guru is, so for U the symbol is this symbol, and this everybody knows. And when it's with R, then the symbol is like this. So this is guru. So both are small. Guru, guru, guru graha gaye padhana raghurai. You know, pehle shuru mein ek chopai hai, bhagwan jate hain jab Shishti ji ke padhne kya. So guru graha, so this is small. So when we use the word guru, it's small. So guru. But if I want to make it long sound, so it's, then this is how we write. Long guru. So 1, 2. Go this small sound 1, guru, long sound 2. So guru. So if it is meant guru, then small sound. So it's like almost like guru, but with little u twist to it, the guru. But not guru. Karahu, karahu. Right? So this will say karah, it's like almost karah, but with slight twist to u, karahu. And this is karahu. So we have to speak who with a long sound, right? So that, so this small, so 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Okay, again, taking an example from Sundarkant. This is Doha number 13 ke upar, fourth line, it's Chopai. Soi chala Hanuman kaha kina, taasu kapata kapi turtai china. So now we look at here, the U sound comes here, Hanuman. Now here, you know, we know, suppose if I asked you, ki aap Hanuman shabd likho, how would you write? Would you write like this? How would you write Hanuman? Hanuman ko aap kaise likhenge? Choti U ki matra. Choti U ki matra, right? Chota U. जब हमको हमें कहे कि हनुमान शब्द लिखो तो हम छोटे तो हनुमान जी हम कहते हैं तो छोटे युग मतलब हनुमान. पर यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ने बड़ा वो लिखा है, उसका एक कारण है. बट दैट कारण विल कम इन जस्ट फ्यू मिनट्स. बट वी व्हाट वी आर सेइंग, वी वांट टू री नाउ, वी वांट, वी डोंट वांट टू करेक्ट दिस थिंग. तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, हम तो इसको छोटा ही पढ़ेंगे. डोंट डू दैट. एंड आई विल गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द लेटर ऑन. इफ ही रोट कैपिटल और लॉन्ग ओ, सो ही सो वी वांट टू रीड इट लॉन्ग ओ हनुमान. The goal today is to read as is written. The goal today is not to correct it. Now there are some very learned people. They have corrected. Ramchandranas ki nahi hai. Ye Tulsidas ji ne ye theek nahi likha. Ya ye kuch baaki ke logon ne galat kar diya. Isko aisa karna chahiye, waisa karna chahiye. We are not going there. So yahan pe this Hanu is capital. So we will read it. So chal Hanuman kahan ki na. Will not read that social Hanuman कहेगी ना. नहीं, पर बैठेगा ही नहीं वो आपका आपका ललाय और तालो जो भी म्यूजिक के शब्द हों. बाद में भी सी तास कपट तोड़ते ही जीना. सो तीनों जगह छोटा हुआ है, राइट. इनवेरिएबली लॉट ऑफ पीपल रीड दैट एज बड़ा हुआ. तो दे विल रीड दैट तासु कपट कपित उड़ते ही जीना. दे विल रीड लाइक दिस, राइट. तो सारा मजे कर कर होगा. दे आर ऑल शॉर्ट साउंड. सो वी हैव टू रीड देम एज जस्ट अ लिटिल ट्विस्ट. देयर इज वन वेरी लर्नड स्कॉलर ऑन रामायण. ही इवन क्लेम्स दैट तुलसीदास जी ने कभी ऐसे लिखा ही नहीं था. ये तो बाद के जो वेरिएशन में लोगों ने चेंज कर दिया. उन्होंने फिर तास ही लिखा था. कपट कपटू लिखा क्या मतलब, कपट ही लिखते तास कपट कपट तुरते ही चीना. यहाँ कपटू क्यों लिखा है? अब जो लिखा है जो लिखा है, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट. But we just basically are going to read it as a kapata kapi turpai china. Very short sound, right? So that's how we read chota u, short u, bada u, short u. So this is like, it's almost like a
in English we say but, right? B-U-T, but. So it but or like or put chota put is a better example. Put. So when we say put, so we just say P-U-T with a small, very short vowel. Not put. P-O. Suppose there was a word like P-O, like fool. F-O-O-L. So we'll say fool. But if it's F-U-L, we'll say full. Right? It's same thing. So if you say F-U-L, we're going to read it as a pull, right? But if it's F-O-O-L, F-O-O-L is a fool. So this is like a full, 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 and this is fool. So that's the difference. Okay, before I go to the next slide, any? Omji. Ye, aap isko thoda dobara pad denge. Tasu, cup to eye. Mere ko samajh aa gaya, aap kya keh rahe hain. Let me read. Ek bar bol ke. The way we are, isko hum aisa padhenge. जहां पर ये छोटा हुआ है वहां पर बिल्कुल हल्का सा ऊपर ट्विस्ट देंगे। इनफैक्ट आप एक एक सेकंड में भूल जाएंगे वो है ही नहीं। तो तास कपट कपे तोड़ते ही चीना। मैं आई एम जस्ट इग्नोरिंग द मात्रा पार्ट हियर। तो तास कपट कपे तरते ही चीना। पर हमें पता है हम वो है तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। तास कपट कपे तोड़ते ही चीना। तो वी यूज बट जस्ट स्लाइट जस्ट एज आई सेड लाइक फुल एंड फुल। पर यहाँ पे हमें बड़े जोर से पढ़ना पड़ेगा हनुमान। ऊक बड़ा हुआ है यहाँ पे हनुमान। तो सोई चल हनुमान कहाँ कीना। तो कि आप जब तक नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो वो लाइन को पढ़ के गा के सुनाएंगे क्या सही ढंग से कैसे गाते हैं। हाँ, तो तास सोई चल हनुमान कहाँ कीना तास कपट कपि तोड़ता ही चीना। और एक बार ये प्रेजेंटेशन खत्म मेरा ये लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन है अभी कितने बज गए सवा ग्यारह ऑलरेडी कब टाइम ले चुका मैं। उसके बाद में वी विल रीड सम लाइंस फ्रॉम अदर लाइंस फ्रॉम सुंदरकांड। अच्छा अब तो हमने बेसिकली तीन स्वर की बात की अ अ और ई और उ उ मैं बाकी आप कहेंगे बाकी ए की क्यों बात दी गई ए ए ओ औ तो उसमें हमें कोई दिक्कत आती नहीं है बिकॉज दे बोथ आर लॉन्ग साउंड्स जैसे ओ और औ बोथ आर इक्वल टू टू वॉवेल्स। सो ओ हो या ओ औ हो या ए हो या बड़ा ए हो तो उसमें कोई नॉर्मली देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स रियली नॉट अ मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन। लिखने में गलती कर सकता है पर प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं होगी। सो दोज इश्यूज आई एम नॉट एड्रेसिंग। नाउ वी गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट कि स्वर क्या है और स्वर की कैसे काउंटिंग होती है। Now let's go to the meters, जो main meter है चौपाई और उसके बाद में थोड़ा दोहा और सोरठा कि इनको हम कैसे पढ़े राइट। अब चौपाई क्या है चौपाई the structure हालांकि the word says चौ means four and पाई मतलब पद चार पद but then grammarians have agreed कि कोई चार जरूरी नहीं है दो ही बहुत है। So we are going to accept that definition. So इस मात्रिक छंद में दो चरण होते हैं। मात्रिक छंद में छंद based on vowels इसमें दो चरण होते हैं। लाइक जामवंत के वचन सुहाए इस पहला चरण सुन हनुमान ते हृदय अति भाए दूसरा चरण। तो दिस इज लाइक वन चौपाई। चौपाई के लिए दूसरी लाइन कोई जरूरी नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव रेड मोस्ट प्लेसेस। सो अब कोई चौपाई गई है यू रीड दिस दिस वन चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमान ते हृदय अति भाए एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन in Sundarkand after you know initial shlokas 5 Sundarkand doha 1 and C chopai pehli so pehli line very first line. So chopai ke kya definition hai it has two parts 1 and 2 aur isko hindi mein they use the word ardhali. So do ardhali aur ardhaliya hai. Niranjan ji am I saying right you call it ardhali ji bhai sab ardhali bolte hain दो अर्धालियों के मिलकर एक चौपाई बनती है। अब चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है चौपाई को। तो वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट मात्रा कैसे काउंट करते हैं। सो लेट्स जस्ट डू द काउंटिंग ऑफ दिस मात्रा। तो जा Remember, ja is long ja, right? Ja, ja. So that is two. Okay? Ma is short ma. So one. Ta is one. Main abhi ye red wale pe baad mein aa raha hu. Ta is one.
Now K is that A sound which I ignored, remember? But I told you A and A, dono ka sound mein vowel do hote hain. So that's two. So that's why we didn't talk about it because there's no chance of making many mistakes in pronouncing that. Bachana, they're all small. Bachana, bachana. ठीक है? Okay. Su is small, right? Suhai. That's one. Ha is two, right? A ha and A is two, right? Su is chota. Sa, chota u. Ni, chote e. One, one. फिर हनुमान ह इज वन नू इज छोटा उ वन अगेन आई विल कम टू रेड इन इन फ्यू मिनट्स त इज वन र इज वन द इज वन य इज वन अ इज वन ती अति छोटा है अति नहीं है अत वन भा इज टू भा भा ए इज टू दिस इज हाउ इट्स काउंटेड एंड दिस अगेन आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस रेड इन सेकेंड सो नाउ लेट्स एड दिस वॉवेल्स 2 plus 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. So there are 16 vowels or 16 matra in each ardhali or in each charana, right? Same way here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, or 4, 16. So 16 here. So her चरण में 16 16 मात्रा होती है सो दिस इज व्हाट डिफाइंस चौपाई इसके और भी कुछ कंडीशंस हैं फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ये है कि जो लास्ट दो वर्ड्स हैं इट शुड बी राइमिंग सो इट आए एंड आए सो सुहाय इज लाइक अ सुह आए एंड इट इज भाई यानी भ आए सो तुक मैंने यहाँ लिख दिया तुक तुक इज आए सो जामवंत के वचन सु आए सुन हनुमान धर रहे भाए राइट सो वो स्किप हो गया ये दैट्स द डेफिनेशन ऑफ दैट इसमें एक एक दो और कंडीशंस हैं चौपाई के डेफिनेशन में बट दैट्स टू टेक्निकल सो आई एम नॉट पुटिंग इट हियर सो व्हाट इज द चौपाई तो चौपाई में बेसिकली इट्स वन लाइन आई जस्ट वांट टू कॉल इट वन लाइन पर इट हैज टू पार्ट्स उनको हम चरण कहते हैं पहला चरण और दूसरा चरण और हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं 16 हियर और 16 यहां एंड एंड में द वर्ड्स राइम सुहाए भाई आए बेसिकली दैट्स हाउ द राइम कम्स तो क्या पर आए राइट अब यहाँ पे लेट मी आई वांट टू टॉक अबाउट दिस रेड इन अ ग्रेट डिटेल्स लेटर ऑन बिकॉज़ दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स मेड सो यहाँ पे जामवंत बट सपोज दिस डॉट वाज नॉट देयर यानी जामवंत में वाक के ऊपर डॉट है ना सपोज ये डॉट वाज नॉट देयर हम इसको कैसे पढ़ेंगे आप पढ़ के बताइए संभड़े How would you read this word? और ये अर्धाली मुझे पढ़ के बताइए without this dot here. बेला जी पढ़िए आप. जामवत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए. अपने इसमें हनुमंत में भी आप डॉट मत पढ़िए दोनों में डॉट के बिना पढ़िए पूरी लाइन. अच्छा दोनों का. जामवत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए. आपको कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में अजीब सा लग रहा है ना अजीब सा लग रहा है अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो दोनों में आपने पढ़ा तो एक एक मात्रा काट दिया आपने जब जब आपने कहा जामवत जामवत वही अटक जाता है गला जामवत के वचन सुहाए ये तो फिर हम जबरदस्ती सुखते हैं जामवत के वचन सुहाए उसको खींच के 16 मात्रा करते हैं उसकी मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा है उसमें यू नो सम इंट्रोडक्शन इज देयर ऑन दिस So that p the dot there is serves like one vowel. क्योंकि वो जाम वंत में वन दो स्वर का काम कर रहा है तो it's like a vowel. So जाम वंत so it is five vowels. Two one and this is two, not one and this is हनुमंत म is two. That's how it becomes. तो ये vowel ये dot क्या है ये basically जामवंत यानी जाम व और आधा ना और त है राइट अगर हम इसको इस डॉट को यूज नहीं करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अभी मैं आई एम नॉट राइटिंग हियर बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग जाम व आधा ना और त हम वैसे भी लिख सकते हैं राइट पर जनरली लोग ऐसा लिखते नहीं है उसके पीरियड ऊपर ये फुल स्टॉप डाले हनुमंत को वैसे लिखते हैं ह नु म आधा ना और त वैसे भी लिख सकते हैं बट पीपल डोंट राइट लाइक दैट वी कैन राइट लाइक दैट So that half na serves as one vowel because it takes that much time. So usko kehte hain anuswar. Anuswar pe we'll talk.
आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस थिंग विल टेक सो मच टाइम. सो अनुस्वार में के बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज़ इट्स वेरी क्रिटिकल इशू ही इन रीडिंग रामायण. सो वो दो स्पेस लेता है, तो देन इट इज 1660. सो एक चौपाई, नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ चौपाई, तो चौपाई में दो लाइन, दो अर्धालियां होती हैं, व्हिच इज फाइन, और उनकी मात्राएं 16-16 होती हैं, और अंत में वो राइम करना चाहिए, राइट? अब नाउ यू विल फाइंड इफ यू वेरी केयरफुली रीड रामायण, देयर आर सम प्लेसेस जहां पे 16 मात्राएं नहीं है, कहीं 14 हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 17 हैं. सो अब वो क्यों है, आई हैव नो आइडिया, राइट? तो वहां पे जो जब लोग गाते हैं तो अपने आप उसको किस तरह एडजस्ट करते हैं गाने में, या कुछ लंबा खींच देते हैं या शॉर्ट कर देते हैं, बट दैट इज काइंड ऑफ मोर ऑफ एन एक्सेप्शंस एंड आउटलायर्स. सो इवन सुंदरकांड में आई फाउंड इट, आई फाउंड इन अदर कांड आल्सो. इनफैक्ट दिस कैन बी एन असाइनमेंट फॉर यू नो सम ऑफ यू, दैट फाइंड दो वो चौपाइयों को आप ढूंढिए जहाँ पे वो 16 मात्राएं नहीं पड़ती और 16 से ज्यादा या कम है. सो दैट मे बी समबडी इज डन इट, इट मे बी ऑन गूगल और समथिंग, बट इट्स देयर. But that's not how Chopai is defined. Chopai is Sola Matra, rhyming at the end, Suhai, Bhai. Or now I give an example here, how biggest mistake people make, like that, yeah, Suni, right? Suni Hanumante Hridayati Bhai. You will see a lot of people read that as Suni. Suni Hanumante Hridayati Bhai. Phir wo nahi baithta hai wo. So agar Suni ka apna सुनी कर दिया तो 3 मात्रा हो गई, और आपने सुनी कर दिया तो 4 मात्रा हो गई, और सुन कर दिया तो 3 मात्रा हो गई. एक जरा सी एक स्वर को ज्यादा खींचने में या कम करने में सारी चौपाई आपकी गड़बड़ जाएगी, राइट? यू हैव टू रीड एग्जैक्टली व्हाट इट इज. इट इज सोनी, सोनी, इट इज सुनी, इट इज सुनी. सो दैट्स हाउ इट इज. चौपाई, हाँ जी, को सुनी को सुन बोले तो भी तो 2 मात्राएं होती ना, सुन हनुमंत हृदय अति भाए. नहीं, जब आप सुनी सुन और सुन दोनों ही की हैं, पर सुन की जगह सुनी कर दो, जैसे वेयर इज इट लाइक दिस, तो देन इट विल बी 3, 1 इज हियर एंड 2 इज हियर. मैंने मम्मी को सुना तो वो छोटी की मात्रा को इग्नोर कर जाती थी. आई थिंक look in terms of reading people can ignore it, but then it's a different word, sun and suni. So technically speaking that's not correct, right? Par usse matra mein fark nahi padta hai, sun aur sun mein. So a lot of people do that, you know, but I would, jaise maine abhi pehle bataya tha, jin kap wo kapad us shabd tha, ke kapad ko log khali kapad hi pad lete hain, to wo chal jayega in terms of vowel count, swar ke count mein wo chal jayega, but that's obviously is not the correct pronunciation. ओके, अब दोहा पे चलते हैं. अब ये दोहा मैं पहले दोहा पढ़ लेता हूँ. तो दोहा में क्या है, द वर्ड इज 2 मींस 2 लाइंस. सो हनुमान तई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम. ये 5.1.D1 मतलब ये अगेन सुंदरकांड पहला दोहा, और दोहे की ये दोहे की लाइन इज डी, और 1 इज फर्स्ट लाइन दोहे की, और ये सेकंड लाइन. सो दोहे में पहले तो 2 लाइन होंगे, यू नो यू कांट कॉल 1 लाइन एज दोहा, राइट? अब इसमें हर लाइन में 24 मात्रा होती है, और 24 कैन बी स्प्लिट लाइक पहले 13 और बाद में 11. सो दिस इज 13 एंड दिस इज 11, दिस इज 13 एंड दिस इज 11. सो इसके चार चरण हुए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, राइट? तो 4 चरण हुए, पर पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11, 13-11. एंड तुक कम्स एट द एंड हियर लाइक प्रणाम विश्राम. यहाँ पे तुक है आम, प्रणाम आम, विश्राम विश्राम आम. तो यहाँ पे इसकी तुक बैठेगी, तभी ये तो दुआ बनेगा. अब आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन काउंटिंग, बिकॉज यू नो वी ऑलरेडी स्पेंड ऑल दिस टाइम. सो ये हनुमान 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 तई परसा. अब यहाँ पे खाली छोटा वो करोगे हनुमान तई परसा, तो यार 13 मात्रा नहीं बैठेंगे, 12 बैठेंगे, तो वो गाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो म्यूजिक चेक करें उनको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि तो बैठ ही नहीं रहा. कर पुनि कीन प्रणाम, राइट? तो ये 11 है, एंड सेम वे हियर 13 और 11. सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नाउ, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड. अदर कंडीशन इज तुक में गुरु लघु का क्रम रहता है. गुरु लघु मतलब ये तुक है आम, तो पहले गुरु आ,
फिर लघु मा विश्राम आ मा आम दैट्स हाउ दुवाई but as I said this definition is more for you know grammarians and all that we really don't need it but so we can connect with it that's why it is so we ab usme agar hum aap duha likhenge then you have to remember kya is wo wo apna bhi aa jayega you write duha it will automatically come aur khud ko lagega maine theek se nahi likha om ji ha ji अब वो पीछे जाएंगे एक इसमें ये बोलकर दिखाएंगे दोबारा कर पुने और किन्हे बिनु ओके ओके आई एम कमिंग सो कर पुने किन प्रणाम कर पुने किन नाउ देखिए इसमें ना ये पुने में ना एन ओ और नी दोनों छोटे साउंड है कर पुने पक्का दिस इज अ लॉन्ग साउंड का ई तो यू हैव टू से किन प्रणाम कर पुने किन प्रणाम We can't just say kin kin pranam. It is keen pranam. It is a long sound. Keen keen pranam, right? So that's how we put it. Kar puni keen pranam. मेरे को जो problem आ रही है पुनी और बिनु इनमें problem आ रही है हाँ जी. इसमें किसमें? Sorry कहाँ आ रही है? पुनी और बिनु ये कैसे pronounce करेंगे ये दो चीजें बता दी. पुनी एक तो पुनी और दूसरा कौन सा? बिनु किन है बिनु बिनु और बिनु नाम आजू समझे आ got it. तो ये पुनि इज लाइक बहुत शॉर्ट साउंड जैसे आपने ऊपर बात की थी तो पुन जस्ट लाइक पुनि हल्का सा उ साउंड हल्का सा नी साउंड बिनु में सेम ही ब पर छोटा ही हल्का सा बी एंड हल्का सा ओ बिन कर बिन कर पुनि कर कर पुनि आप ये कह रहे हैं जब हम ये मिथल से जब छोटी ई की मात्रा आ रही है यूजली हम उसको बोले ही नहीं जैसे इसको बोल देंगे करपन और हाँ तो उसमें क्या होगा कि वॉवल काउंट में कोई गड़बड़ नहीं होगी वॉवल काउंट विल स्टिल रिमेन सेम पर स्टिल द उच्चारण इज नॉट करेक्ट यू नो वो अगर ऐसे होता तो फिर छोटी ई की मात्रा की जरूरत ही क्या है वी रिमूव ऑल दैट फ्रॉम द एंटायर डिक्शनरी है ना एग्जैक्टली तो उसका अपना महत्व है कि नहीं सो या छोटे ऊ को भी इस तरह निकाल दें तो सारी डिक्शनरी में से और सारे शब्द को से छोटा वो निकाल दो तो उसका महत्व है पर उसका इट डजंट ऐड टू द साउंड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ वॉवल ये स्वर का जो जो वजन है उतना ही रहता है जैसे अपने एग्जांपल भी लिया था पर गुरु का गुरु में ग पे भी छोटा हुआ है और र पे भी छोटा हुआ है गुरु अब गुरु में से दोनों में से ऊ निकाल दो तो हो जाएगा गर राइट राइट हो जाएगा ना गुरु में से अगर छोटे में से गांव में से छोटा निकाल दिया तो गर्व हो गया और राम में से भी छोटा वो निकाल दिया तो गर्व हो गया तो गर इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड देन गुरु सो दिस इज द काइंड ऑफ वेरी माइन्यूट डिटेल्स वी हैव टू कीप इन माइंड बट आई वुड से व्हाइल यू आर रीडिंग निकालना इज बेटर देन रीडिंग एज अ लॉन्ग साउंड व्हाइल यू रीडिंग है ना पुनि को आप पुन पढ़ें दैट इज बेटर देन रीडिंग एज अ पुनि Because then it becomes long sound and will be 11 ग्यारह 12 मात्रा हो जाएंगे फिर आपको दुआ बैठेगा ही नहीं हाँ जी Making sense? हाँ, अच्छा अब सोरठा is that is something causes biggest problem to Raman readers and I don't know that I can share मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रामायण पढ़ते देखा है जो अयोध्या में और लखनऊ में और दिल्ली में बड़े हुए और वहाँ बचपन से रामायण पढ़ते आ रहे हैं They cannot read Sorata properly. अब मैं एक सोरठा को इसको पढ़ता हूँ फिर बाद में डिस्कस दिस कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठी कर गए रामायण में कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 87 सोरठा है कोई बहुत ज्यादा सोरठा नहीं है सारे सुंदरकांड में एक एक ही सोरठा है ये 5.12 S1 12वें नंबर का दोहा ये सोरठा तो एंटायर सुंदरकांड दंडवेणी सोर्ट है ये सिर्फ एक सोर्ट है तो क्या करते हैं लोग भाई इसको इसको उल्टा पढ़ते हैं जैसे दोहे को पढ़ते हैं दे विल आई हैव सीन पीपल रीडिंग लाइक अब ध्यान से सुनिए इसको पहली लाइन के साथ पढ़ेंगे दीन मुद्रिका डार तब कपि कर हृदय विचार दिन दीन हर्ष उठ कर गए हो जन अशोक अंगार अगर ऐसा लिखा हो तो इट बिकम्स दोहा विचार अंगार राइट एंड
आई एम वेरी सॉरी दिस इज रॉन्ग बिकॉज अगर तुलसीदास जी को वही लिखना होता तो वैसे लिखते वो सोटा क्यों लिखते राइट अगर उन्होंने ये लिखा है ये अपने आप में छंद है अगर हम किसी वजह से पढ़ नहीं पाते तो ये हमारा हमारी कमजोरी है नॉट बिकॉज की नहीं 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 सोटा को तो वैसे ही पढ़ना चाहिए दीन मुद्रिका डर तब कब कर है विचार दीन हर से उठ कर गए गंगार सियावर राम दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ रीडिंग वी हैव टू रीड करेक्ट वे सो ये सोटा क्या है इट इज कम्प्लीटली अपोजिट इन सम सेंस ऑफ दोहा से दोहा में अभी हमने एक सेकंड पहले देखा था कि दो लाइन है और 13-11 मात्राएं होती हैं 13-11 13-11 राइट और उसका जो तुक है वो एंड में जब आम आम इसमें क्या है कि दो आर रिवर्स इसमें 11-13 है 11 and 13 राइट सो कपी कर हृदय हृदय विचार सो 4, 4, 7, 8, 10, 11 ग्यारह मात्रा कपी कर सो इफ यू वांट टू पॉज आई पुट ए कॉमा देयर रामायण में कॉमा वगैरह नहीं है आई विश दे पुट कॉमा सो ये चक्कर ही नहीं रहे लोगों के दिमाग में कपी कर हृदय विचार एंड पॉज देयर विचार कपी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब then that vichar will rhyme jan asok angar vichar angar jan asok angar din haras uth kar gaye so this is a very interesting poetry you know so hindi sahitya mein ke jahan pe wo ant mein rhyme nahi hota normally poetry rhymes at the end right koi bhi aap chand le lijiye par yahan pe ant mein hata hua ya gaye hue koi lena dena hi nahi hai but that's how it is you know sorote ki rachna aisi hai क्योंकि अंत 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 से कोई मतलब नहीं है उनको कई बार बाय कोइंसिडेंस इट माइट राइम एंड दैट्स अ डिफरेंट मैटर बट इट डजंट हैव टू राइम जैसे मैं बताऊं आपको बिल्कुल रामायण की शुरुआत में ही बिगनिंग में तुलसीदास जी ने बहुत सारे सोट लिखे हैं पांच सोट हैं तो जो बहुत सबसे पहले वाला है जो सुमेरत सिद्ध होय कण नायक करी बर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गण सदन तो ये एंड में भी रहीम हो रहा है सदन बदन पर वो इट्स जस्ट कोइंसिडेंस है सोरठा इसका पॉज बीच में हो ही पर है जो सुमृत सिद्ध हो पॉज और दूसरी लाइन में करो अनुग्रह सोय पॉज सो राइमिंग हो सोय इसी तरह आगे के बाकी सब सोरठा में इस तरह की बातें हैं सो so this is the probably out of these three the most difficult meter to read and lot of people make mistake in it so wo usko dohe ki tarah padhte hain so usko dohe ki tarah padhoge to aapka gadbad ho jayega kyunki doha hai hi nahi we have to know that the break is in the middle that's where it's going to rhyme so just take a break kapi kar hriday vichar din mudrika dar tab jan asok angar pause din aur harsh uth kar gahe karuliyo no problem So this is a very ticklish thing. A lot of people make this mistake, but next time we read Ramayana, we will not make mistake. You know, because we will see it. पहले तो हमें पता ही अलर्ट कर दिया है जब रामायण पढ़ते वहां लिखा है बर्ड सोटा तो लिखा ही हुआ है तो हमें पता है भाई सोटा है यानी बीच में कहीं ना कहीं इसको पॉज देना है क्योंकि वहां पे राइम होगा राइट Before I move forward, let me. I'll talk more about it later on. यहाँ पे हृदया, it's not हृदया. ये जो पीछे चंद्रबिंदु है, इसको चंद्रबिंदु कहते हैं ना, right? So हृदया और हृदया दोनों में फर्क है. So this अगर ये चंद्रबिंदु नहीं होता, whatever it is that हर हृदय है. कभी कर हृदय विचार, but चंद्रबिंदु आने से हो गया हृदया. तो इसके आने से थोड़ा सा वी आर यूजिंग द नेजल साउंड थोड़ी सी नाक से आवाज आ रही है हृदय और हृदय में नाक से आवाज नहीं है राइट सो हृदय विचार वी डोंट रीड एज हृदय विचार अगर आपने ये पढ़ा कभी कर हृदय विचार तो ये गलत हो गया बिकॉज ही इंटेंटेड हृदय तो यहाँ हृदय पर दिस इज नॉट लाइक दैट ना लाइक अंत और कंत और सो इसके वजह से इसके वॉवल में चेंज नहीं होता है हृदय
So just one. At the same time, but you are speaking, you're reading it through your nose a little bit, right? Uske bare mein more I will talk in subsequent slides. Now, we have talked about three major meters, Chaupai, Dohwa, and Sorota. How do we read them correctly? Baki bahut sare meter hain, we can see them and read them. But you know that exercise, I think you can do it yourself. Once you know the basic this, then rest is same way. अब ये तीन श श और स आते हैं हमारे हिंदी अल्फाबेट्स में. नो इंग्लिश में देख एस है राइट, पी क्यू आर एस टी यू वी एस, काम खत्म हो गया. पर यहाँ पे तो तीन तरह का श है. अब इसको एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना मुझे नहीं आता, पर जैसे हम पहला श है हम बोलेंगे शंकर राइट, शंकर भगवान. दूसरा श है वो षटकोण पढ़ते थे ना, षटकोण हेक्सागन इन इंग्लिश. और स है, तीसरा स है तो सीता हो गया. तो इस तरह हम इनको समझते हैं कि ये तीन है. पर आई एम टोल्ड कि जो जो अवध में जो लोग रहते हैं और जो अवधी भाषा है उसमें श जो पहले दो श हैं वो उनका उच्चारण ही नहीं है, दे आर नॉट यूज्ड. एंड आई थिंक दिस इज ट्रू इन ब्रज आल्सो. मैं भी ब्रज में, मेरा रूट्स ब्रज में है. सो मुझे पता है जैसे मेरी माँ थी, मेरी माँ प्रैक्टिकली शी वाज इलिटरेट. तो मेरा नाम ओम प्रकाश है, सो शी यूज्ड टू कॉल मी ओम प्रकाश. मरते मरते दम तक मेरे को ओम प्रकाश कहा उन्होंने. अभी उन प्रकाश सब उनके मुंह से निकलता ही नहीं था, तो वो शाह को सा ही कहती और प्रा को पर. ओम प्रकाश आई हो निया राइट. तो क्योंकि दे डोंट हैव स, बोले बोले चलो आज शंकर भगवान की पूजा करें, बोले शंकर भगवान की पूजा करेंगे लाला. शंकर शंकर नहीं, वो शंकर कहेंगे. तो चूंकि ब्राह्मण तो उन्होंने अवधि भाषा में लिखी है, अवधि ब्रज समाइब्रिड. तो अगर छोटा श और बड़ा श है, छोटा कह रहा हूँ, पहला श, लेट्स कॉल देम फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला श और दूसरा श है वो अवधि भाषा में है नहीं, इसलिए ही हैज हार्डली यूज्ड दिस. आई डन इन द एंटायर एनालिसिस ऑफ रामचरितमानस, पहले श से प्रारंभ होने वाले शब्द देयर आर ओनली 13 इन द एंटायर मानस. इतना ही नहीं, वो शब्द भी वहां पर हुए हैं जहां पर जैसे कोई ऋषि भगवान स्तुति करते हैं, तो वहां पे ही यूज लाइक प्योर हिंदी वर्ड. अदरवाइज जो कॉमन उनके रामन का डिस्क्रिप्शन वहां नहीं है. और जो जो दूसरा शब्द है उसे सुनने वाले सब सिर्फ पांच ही. सो इट्स अ वेरी रेयर. व्हाट आई एम सेइंग दैट कि कभी हम पढ़ेंगे रामायण को और उसमें ये स आया है जो अपना ये स, तो हमें लगेगा कि तो गलत है, तो श होना चाहिए, क्यों तो शंकर थोड़ी तो शंकर है राइट, शिव थोड़ी शिव है. सो वी मे एंटर करेक्टिंग इट व्हाइल रीडिंग, क्यों, बिकॉज़ माइंड इज थिंकिंग दैट वे, बिकॉज वी नो द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट हिंदी स्पेलिंग. वेयर एज इन रामायण द वर्ड दैट इज यूज्ड इज द अवधि लैंग्वेज, सो वी वांट टू करेक्ट इट इनटू हिंदी, एंड सो समटाइम्स दैट मेक्स अ मिस्टेक. लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. सो जब मैंने रोड दिस लाइन, अतः स का उच्चारण स से करना चाहिए, दिस लाइन लुक्स वेरी फनी. आई मीन ऑब्वियसली स का उच्चारण स से करना चाहिए, व्हाई आर यू सेइंग दिस, यू नो, बट द रीजन इज वी समटाइम्स. अब ये देखो, ये इसको ये लाइन है अगेन सुंदरकांड की. तहां जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा. इन इट्स जस्ट कॉपी पेस्ट. अब यहां पे व्हाट तुलसीदास जी हैज रिटन, शोभा. नाउ वी नो देयर इज नो वर्ड लाइक शोभा, द वर्ड इज शोभा राइट, है ना, शोभा. तो नाउ व्हेन वी रीड बिसका वो ये तो हम वी माइट एंड अप रीडिंग है, तहां जाए देखी वन शोभा, क्योंकि वी नो द करेक्ट वर्ड इज शोभा, बट दैट इज रीडिंग इट रॉन्ग राइट. वी नीड टू रीड इट शोभा बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज, तहां जाए देखी वन शोभा, इसलिए शोभा को शोभा ही पढ़े ना कि शोभा. सो दिस इज नॉट वेरी प्रिवेलेंट, नॉट वेरी कॉमन, बट समटाइम्स वी एंड अप डूइंग दैट. Another example, अतलग रूप धराऊ निसी, नगर कराऊ पैसार. तो निसी इज कमिंग फ्रॉम निशी, निशा, निशा का निशी कर दिया, पर वी में एंड अप रीडिंग एज अतलग रूप धराऊ निशी, बट नॉट निशी, से निसी. सो अगर सा लिखा है तो सा लिखा है, सा को हम सा के पढ़ेंगे, वो अब वो शंकर लिखे तो हम शंकर ही पढ़ेंगे, हम शंकर को फिर वो शंकर नहीं पढ़ेंगे. एंड दिस थिंग, जहां जहां ये शस, जब दूसरा श है, सेकंड श आता है, बीच में आएगा, अंत में आएगा, तो वी विल रीड इट शा बिकॉज़ शा, पर अगेन इन सिंस दैट शा इज नॉट देयर इन अवधि लैंग्वेज, सो ऑफन इट इज रेड एज खा राइट. सो
तो सा को सा पढ़ें या खा पढ़ें, दैट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन. तो माई थिंकिंग ये इसके, अगर अगर राइम के लिए वो जरूर पड़ता था, I would like to read इसका. जैसे इसको देखते हैं, गिर पर चढ़ लंका तई देखी, कहीं न जाए अति शी मोस्ट सफर गुड रीड, राइट. बट आई वुड नॉट रीड लाइक दैट. वाई? क्योंकि अगर ये देखी और विशेषी तो फिर ये तो कुछ राइम नहीं हुआ, राइट. राइम होना चाहिए ना. तो वी वॉन्ट आई वुड रीड खा, गिर पर चढ़ लंका तई देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेखी. Now again one can argue this is wrong, it is vishesh, it's not vishesh, but we are reading what Tulsidas probably meant. So, but these things I will not get into a lot of argument. People may say no no no, isko vishesh hi padhna chahiye, to chalo vishesh hi padho, par mujhe kuch jasta nahi hai kyunki sab rhyme nahi ho raha. Par ha agar beech mein aata hai to depending on the context, sometimes may read as sha, sometimes may read as kha, so as you know you feel comfortable, but that doesn't anyway create any problem. ओके, काफी मैंने टाइम ले लिया, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू रैप अप. अदर सम वर्ड्स लाइक लेटर लाइक अवा, राइट. अवा है जैसे हम कहते हैं वक्ता कविता, राइट. पर अगेन दिस अवा इज अ वेरी यू नो संस्कृताइज्ड लेटर. एक चालू भाषा में लोग वा का प्रयोग, चालू ग्रामीण भाषा में लोग वा शब्द का वा अक्षर का उच्चारण की जगह ब करते हैं. जैसे मेरी बड़ी बेटी, उसका नाम है कविता, तो हमारे ससुर साहब थे और वो थोड़े पढ़े लिखे भी थे, उसको कविता कपता कहते थे, कपता ब कबता, ही नेवर कॉल्ड हर कविता, कपता लाली तो कैसी है कपता. सो व को ब पढ़ेंगे क्योंकि दैट्स हाउ इट इज. सो इसलिए ये व शब्द देखिए ना, होने वाले कुल टोटल वर्ड्स आर 32 इन द एंटायर रामचरितमानस, एंड एज आई सेड लॉट ऑफ दोज वर्ड्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सम स्तुति और समथिंग, सो दे आर नॉट इन यू नो इन कॉमन यूज. So, इसका मतलब है कि वो जस्ट जैसे मैंने अभी सा की बात की थी ना, तो अगर ब लिखा है तो ब को ब ही पढ़िए, उसको ब मत पढ़िए. आई विल गिव एग्जांपल, दिस इज हाउ वी ऑलवेज स्टार्ट रीडिंग सुंदरकांड विद दिस सोरठा. प्रणव पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसो राम सर चाप धर. ये सोरठा है बालकांड में, 17वां नंबर का सोरठा, 17 नंबर की दोहा सोड है. अब यहाँ पे देखिए कई जगह वह है, ये प्रणव पवन पावक, तो वह पढ़ेंगे, पर यहाँ वन है, यहाँ उन्होंने वन नहीं लिखा, राइट. तो शुद्ध हिंदी शब्द तो वन है ना, तो पर वन को हम वन ही पढ़ेंगे, हाँ वन नहीं पढ़ेंगे उसको, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट तुलसीदास मेंट, ही वांटेड अस टू रीड एज वन. सो वी आर गोइंग टू रीड एज प्रणव प्रणव पवन खल बन, नॉट खल वन, खल बन पावक ज्ञान घन. सो दिस इज स्मॉल थिंग, सेम वे हियर आल्सो, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना. सो विवेक, वी नो द करेक्ट वर्ड इज एक्चुअली विवेक. सो वी एस बी बी में शो दिया, मेरे को तो पता है हिंदी इसको विवेक कहते हैं, तुलसीदास जी ने गलत लिखा या टाइपो है, सो आई एम गोइंग टू रीड एज बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना. यू कैन रीड इट, बट दिस नॉट व्हाट इज रिटन और व्हाट इज इंटेंडेड. व्हाट इज इंटेंडेड, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना. जामवंत के वचन सुहाए, नॉट वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए. ओके, नाउ आई विल स्पेंड आई थिंक टू मोर स्लाइड्स ऑन यूज ऑफ अनुस्वार एंड अनुनासिक, दैट्स वेयर लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैपन. सॉरी, हम एक छोटी सी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं. आपने वन और बन के एग्जांपल दिए, तो विनती और विनती तो हमें समझ आ जाएगा अगर हम सुन रहे हैं किसी को, पर वन और वन में समझ नहीं आएगा कि ये जो इसका अर्थ जंगल वन जा रहा है कि हम तो बातें नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इसको पढ़ेंगे कैसे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी रीड करेक्टली, अब तो इसका उच्चारण कैसे सही हो. तो चूंकि हमको पता है यू नो बैकअप फॉर माइंड, वी नो कि वन तो सही शब्द तो वन है, सो वी मे बैकअप फॉर माइंड मे टेल अस कि नहीं इसको वन पढ़ो, वन मत पढ़ो. तो वी माइट से प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान ज्ञान, पर हम गलत पढ़ रहे हैं. Because it is not meant as one, it is meant as one. So we read it as is one. Right. So हम अर्थ की तो भी बातें नहीं कर रहे हैं. Okay. अब अनुस्वार की we talked a little bit earlier that half nasal sound. I hate to use word now, later now for it, but अभी for lack of better word for now,
जैसे कि आधा ना साउंड है, जैसे अब देखिए तीन मैंने अक्षर लिखे यहाँ पे, तीन शब्द लिखे, नद नंद एंड ननद, राइट। नाउ नद में तो दोनों वॉवल है छोटे, नो इसमें कोई अनुस्वार का कोई चक्कर नहीं, कोई बिंदी नहीं है। अब नंद है इसमें जो आधा ना है बीच में, राइट, तो मध्य में हाफ ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना के ऊपर बिंदी और दा, राइट, वी नो दैट वेरी वेल, लाइक अंत है या कंस है वगैरह, सो आधा ना है। और या फिर शब्द ननद, ननद यू नो आपको पता ही, अपने नंद भी कहते हैं और ननद भी कहते हैं, कि ये मेरी ननद है या ये मेरी नंद है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस रीजन में रहते हैं। तो यहाँ पे मध्य में पूरा ना है, सो दीज थ्री आर काइंड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, राइट, सो नद नंद ननद, पर यहाँ पे मध्य में आधा ना है, बट इट टेक्स टाइम, सो नंद और नद, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, इसलिए अभी मैं बहुत समय नहीं लूंगा इस पर। तो इसका जो काउंट है वॉवेल काउंट हो गया तीन, वन वन वन, पहले अपने देख चुके हैं, और ननद भी काउंट हो गया वन वन वन, पर इनका लिखने का तरीका अलग है। अब लेट्स टॉक सम एग्जांपल, लाम लंकिनी एक निश्चरी शोक चलस मोह निंदरी, अगेन बालकांड से लाइन है। सो यहाँ पे लंकिनी में ल और क के बीच में दैट अनुस्वार है, सपोज ये बिंदी भी नहीं होती तो लकी नहीं पढ़ते इसको, नहीं नाम लकीनी एक निश्चरी, तो लकीनी नहीं है पर लंकिनी है, जैसे लंका या लका, राइट, सपोज लंका की जगह हम लका पढ़े तो इट विल बी वेरी डिफरेंट थिंग। सो नाम लंकिनी, तो ल और का के बीच में हाफ वो नेजल साउंड है, पर दैट हाफ नेजल साउंड कम्स फ्रॉम द जो क वर्ग में जो लास्ट में यहाँ है और रा है, आई डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली प्रोनाउंस, का का गा गा जो पांचवा अक्षर है भगवान जाने उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट यू डोंट नो तो वो जो भी है वी डोंट रियली नीड टू नो दैट, बट दैट्स अ नेजल साउंड, यू नो। सो बेसिकली लकीनी को हम ल को नेजल साउंड लगा रहे, जोर लगाना चाहते नाक से बोलना लंकिनी, लकीनी लंकिनी। अब बोल कर देखिए लका लंका, लका बोलने में नाक का कोई प्रयोग नहीं है, राइट, लका और लंका, तो इनफैक्ट आगे के जो ये है ये फूल जाते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस मिरर का आगे जाके देखा तो मैं कहता हूँ लका नाक का कोई जो रोल नहीं है, लका। अब मैं अब नाक बंद करके बोलता हूँ लका लका, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं लंका बोलना चाहता हूँ लंका, लंका बोल ही नहीं पा रहा लंका, से हाउ डिफिकल्ट इट इज, सो द नोज प्लेज अ रोल व्हेन दैट डॉट इज अ लंका, so it takes sound, so that is anuswar, so ye ka varg hai lankni nindariye ye ta tha da dha na varg hai, to yahan is a half in between, chanchal cha aur cha ke beech mein na hai, to ye cha cha ja ja ya wala half hai, to chanchal, but again these ye ya aur ye ka varg ka word aur na sab they all disappeared, hardly anybody uses, we just use the dot, billambo ye ba वाला मा प वर्ग वाला है, प प ब भ मा, और मा का हाफ इज बीच में, वी कुड हैव रिटन एज बेला हाफ मा एंड बू बिलंबू, पर रादर देन राइटिंग दैट हाफ मा वी आर राइटिंग डॉट, सो व्हेनेवर दिस डॉट इज देयर एंड दिस डॉट हैज ए नेजल स्ट्रांग साउंड, राइट, बिलंबू, इफ आई क्लोज दिस बिलंबू मेरे को बोलने भी दिक्कत हो रही है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, चंचल और चंचल नहीं बोलता, राइट, सो व्हेन यू कैन नॉट से दैट वर्ड विदाउट योर नेजल वाइब्रेशन देन इट इज दैट अनुस्वार व्हिच इज लाइक अ वन वॉवेल, सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक व्हेन पीपल रीड दिस, दे समटाइम्स दे डोंट रीड इट प्रॉपरली, नाउ दिस इज सो मच कंफ्यूजिंग एंड दिस प्रोबब्ली ऑलमोस्ट लास्ट लाइन मे वन मोर विथ, नाउ आई लुक एट दिस फोर वर्ड्स, बध बंध बंध बनध, नाउ आई यू नो आई गेस आई मेड इट अप, अदर थ्री प्रोबब्ली हैव सम मीनिंग बट दैट्स डजंट मैटर, नाउ बध इज अ सिंपल बध, राइट, ब एंड ध, तो देयर नो मात्रा झंझट एक्सेप्ट अ, बनध में जो ना है पूरा बीच में पूर्ण ना, सो वन वन वन, बंध वी जस्ट टॉक ये बीच में ना आधा है, राइट, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट, सो बध बंध बनध एग्जैक्टली सेम वी जस्ट टॉक्ड, बट नाउ आई हैव एडेड हियर समवेयर हियर, नाउ व्हाट इज दिस बध एंड बंध, सो देर इज नेजल साउंड बट इट इज वेरी एट अ वेरी लो लेवल,
बंद, बद बंद, और ये बंद सो बद बंद बंद बनद. सो दिस साउंड इज अबाउट क्वार्टर ना, ये जैसे ये आधा ना है, ये काइंड ऑफ ये जो ग्रामेरियन हिंदी का ग्रामेरियन होता है, इज अबाउट क्वार्टर ना. So it doesn't add to the vowel, but there is some nasality to it, you know, some anusasikta hai isme. So isliye isko hum padhenge zarur, par koi zyada zor deke nahi padhenge. So bad bandh, thoda nak ka thoda sa prayog karenge, bad bandh, jaise ab bandh aur bandh rahiye, to bandh to tab bhi thoda bolega aur bandh nahi padega aur banad. So, ये चंद्र बिंदु क्या है, ये इट्स लाइक ए लिटिल बिट ऑफ न दैट साउंड, बट जस्ट लिटिल बिट, क्वार्टर इफ यू से, यू नो 20% 25%. पर कई बार क्या होता है, जब चंद्र बिंदु है वहां तो ठीक है, जैसे ये रहा हृदय हृदय, अभी आपने देखा था ना एक मिनट पहले, हृदय हृदय, वॉवल काउंट में फर्क नहीं पड़ता, पर बोलने में फर्क पड़ता है. इसको हम हृदय राख के कौशलपुर राजा नहीं कह सकते, हृदय राख के कौशलपुर राजा. सेम हियर, कहू माल देह, तो कहू माल देह, राइट, थोड़ा सा नेसल साउंड, कहूं माल देख. तो ये जब उ की मात्रा है और यह पर अ की मात्रा, या मात्रा नहीं है, या हृदया हो तो हृदया, वहां पर ही चंद्र बिंदु है. पर जहां पे ऑलरेडी मात्रा ऊपर है, जो लाइक ओ धरो, पर इग्नोर दिस डॉट फॉर नाउ, तो अत्यलग रूप धराव निशी, पर हम यहाँ पे चंद्र बिंदु रखना चाहते हैं, अत्यलग रूप धराव निशी, तो यहाँ पे हमें कुछ चंद्रबिंदु डालना पड़ेगा. बट देन दैट बिकम्स टू, देयर नॉट मच स्पेस देयर, राइट, धरो और फिर वहां चंद्रबिंदु बनाए, तो द टाइप सेटर्स और ग्रामरियन डिसाइडेड कि आप पूरा चंद्रबिंदु नहीं लगाएंगे, यहाँ पे खाली डॉट लगा देते हैं. बट दिस डॉट हियर इज नॉट, नॉट दिस डॉट, दिस निंदरी हाफ ना, यू हैव टू यूज आवर नोज बराबर, पर यहाँ पे दिस नॉट हाफ ना, दिस क्वार्टर ना, दिस एक्चुअली चंद्रबिंदु, but written only as a dot for convenience. This is very confusing. So, dharao, nagar karao, gar jahi, so he, ke upar chandra bindu, gar jahi, bikal ho sita hai, so this gar jahi, dharao, hridaye, kaun par, lot of mistakes are made. I gave a little note here, like this sanghare. So, yaha pe this is a, like anuswar. Have any this one, right? That's right. It's not sanghare. It's sanghare. Tab jaane so nischar sanghare. Not tab jaane so nischar sanghare. Right. Okay, now I'm just going to conclude with this last slide. So, then there is always a possibility. I'm coming to you, Panchal sir. Then always a possibility of combination of errors. In the same place, we make multiple errors. So there's a nahi hai, there's a dot here, probably not very easily visible. Nahi ko nahi padna. Ya nahi padna. Either you ignore this dot or you chote ko bada hi padna. Kahu ko kahu padna ya kahu padna. Now take for example this. Ye bhi Sandur Khan ki line hai. Ram kaj kine binu mohi kaha vishram. Ab isko a lot of people will read as काज को काजू, राइट, राम काजू की ने बिन मोए कहां विश्राम. अब यहाँ काजू और बादाम की तो बात नहीं हो रही, तो ये राम काजू नहीं है, राम काज कीने के जगह दे विल रीड एज, इस डॉट को नहीं पढ़ेंगे, जस्ट रीड कीने, राम काज कीने बिनु, बिनु की जगह बीनू, राम काज कीने बीनु मोही कहा विश्राम, देन होल लाइन विल कंप्लीटली मेस्ड अप. We can make mistake here in here. And so out of 1, 2, 3, 4, 5, एक दो तीन चार पांच सात में से 1, 2, 3, 4, 5 words we can make mistake in reading. Right. So I think I've taken when I prepared this PPT, I shared with Niranjan Sharma ji, who is here, and also Vinita Mishra ji. And I asked them, you know, am I missing out anything? So I'm sure they're missing out some other things, which are also common mistakes, but I could not guess them.
So I will come to the question. I'm pretty much done with this, my presentation. So if I'm missing anything in this, this should have been covered. Please let me know. Not necessarily right now, but maybe you can write to me or send me a message. I can call you and you can talk on phone. Or any mistake I make today, let me know. Because see, I admitted in the very beginning, I'm not an expert, you know, but I thought this is important. We all should take it a little bit seriously, you know, then they'll be more fun, you know, it's more anandi ki baat, you know, ab hum Ramayana padhne baithte the time to hamara ja hi raha hai. So kam se kam usi time mein zyada anand le, you know, your return on investment is higher, right? So because time investment utna hi hai and usme zyada maza aayega. So it's more of increasing our own fun, our own, you know, entertainment by doing this. So I'm going to conclude this presentation now. I took almost 80 minutes. I didn't expect. There are barely what, 3 slides to either faltu ke bilkul. The total 13 slides took so much time, but I'm very happy that I got this chance to share this with you. Okay, let me stop and we can discuss. So yeah, there are a lot of limitations. As I said, we just focus on these three meters. तो बाकी भी चीजें पढ़ने में इट सेम वे वी रीड यू नो इफ यू डोंट मेक दिस मिस्टेक्स चाहे वो कोई ये छंदो या वो छंदो छंदों की व्याख्या इज नॉट इम्पोर्टेंट इन तीन छंदों की मैंने व्याख्या इसलिए की कि ये प्रेडोमिनेंट छंद यू नो इतने ज्यादा यूज होते हैं पर बाकी सब बाकी एनीवेयर एल्स वी रीड एग्जैक्टली सेम वे एंड वी विल बी रीडिंग करेक्टली ओके Let me stop you. Any question? Yeah, somebody has wanted to ask question, but I said please hold on. Please go. Sir, मैं एक ही बात जो इससे पहले वाली स्लाइड में अनुस्वार और चंद्रबिंदु की जो बात आई थी जो साथ साथ कभी यूज हो जाते हैं तो उसमें मुझे एक जनरलाइजेशन ये दिखा कि यदि ऑलरेडी कोई मात्रा और खास करके दीर्घ मात्रा है और उसमें साथ में बिंदु लगा हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें चंद्र बिंदु की श्रेणी में ही लेना होता है ऑलरेडी यदि दीर्घ मात्रा है और साथ में बिंदु है तो वो चंद्र बिंदु की श्रेणी में ही आएगा वो दीर्घ मतलब आधा न वाला नहीं होगा एम आई करेक्ट प्रॉब्ली यू आर करेक्ट एंड पर्टिकुलरली दैट अल्फाबेट हैपेंस टू बी द लास्ट अल्फाबेट ऑफ दैट वर्ड लाइक कहीं नहीं राइट सो वहां पे वो चंद्र बिंदु ही है कहीं में जो ऊपर है जो डॉट है Any other question, comment? Om ji, ये last slide पर जाएंगे एक बार, second last पर. ये ना. ये या इसके पहले वाले. किने और मोही को बोल कर दिखाएंगे हाँ जी इस स्लाइड की बात कर रहे हैं ना आप हाँ जी इसी स्लाइड की बात कर रहा हूँ हाँ जी हाँ जी इस क्या इसमें क्या करना है इसमें किने को आप बोल कर दिखाएंगे और मोही को हाँ अच्छा तो लेट्स रीड दिस चौपाई हाँ जी राम काज कीने बिन मोह कहा विश्राम दैट्स हाउ आई एम डूइंग ओके तो राम काज जहाँ पर छोटा बिल्कुल स्लाइट साउंड नॉट राम काज कीने ना के का पर दीर्घ है तो कीने और हा पे वो ऊपर बिंदी यानी चंद्र बिंदु है तो कीने अब यहाँ पे वो जी दोनों चीज आ गई ये ना है दिस इज लाइक अनुस्वार राइट दैट्स व्हाट यू आर सेइंग बजरंग साहब तो कीने में ना अनुस्वार है और ये डॉट है ऊपर ये अनुनासिक है तो कीने तो ना दिस जो छोटा आधा ना है इट टेक्स वन वावल ऊपर वाला एक जिस नेजालिटी टू दैट वर्ड तो राम काज कीने बिन मोह कहा ये भी अनुशासित का तो इसको मोह को इसको बिन मोह कहा बिन मोह बोलेंगे हाँ जी मोही नहीं बोलेंगे इसको नहीं मोही नहीं मोह ई है बहुत छोटा सा ई है हल्का सा ई है तो यू गिव अ लिटिल ई साउंड टू इट बट छोटा ई साउंड क्योंकि हम जब छोटे थे ना जब हिंदी पढ़ी तो उसमें फर्क ही नहीं पता लगा कभी छोटी बड़ी बस पढ़ते अब क्या है मैं आपको बताऊं मेरा लड़का जो है 7 साल का है वो हिंदी और संस्कृत की क्लास ले रहा है सो व्हेन ही इज रीडिंग ही इज प्रीटी गुड इन रीडिंग करने में वो मेरे को बताते हैं डैडा आप गलत रीड कर रहे हो छोटी और बड़ी कैसे बोलना है उसको ओम जी
मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं तो आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ विनीता जी। हाँ कहिए। भाई तो मैं बता दूं विनीता जी इज माय ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एडवाइस, तो मैं तो इसमें अगर जो भी गलतियां हैं सब इनकी वजह से हैं। मेरे साथ तो ट्रेजेडी है कि हमें ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती ना विज्ञान आता है, सब ऐसी पढ़ाई की। आमीन। कॉपीकैट नहीं करिए। ऐसा है कि जो छोटी की मात्रा अभी जो मोही इसका जो पूछ रहे थे, तो मैं कुछ बच्चियों को हिंदी पढ़ाती थी, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी वो बच्चियां, अब तो बड़ी हो गई हैं। तो जो हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो जब स्वर पढ़ाया जाता था तो व्यंजन में स्वर को मिला के पढ़ाने की एक पद्धति होती थी जिसको हम लोग पढ़ते थे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग ह, फिर हम पढ़ते थे क का की कु कु के कै को को कं कहा। अब शायद 25-26 या 30 सालों से ये पद्धति एकदम खत्म हो चुकी है और हर स्कूल में हिंदी को पढ़ाया जाता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, हम बोल तो वही रहे हैं, हम उसके पहले छोटी और बड़ी लगा रहे हैं और उच्चारण एक सा कर रहे हैं, छोटी बड़ी, ये गलत उच्चारण सीख ही रहे हैं हम। छोटी बड़ी नहीं है वो, ई है, ई, हमने उसको बोलना ही नहीं सीखा इसलिए हम उसको मोही त्राही पाही बोल ही नहीं पाते आजकल के बच्चे। उनसे कहो इसको हल्का बोलो तो वो बोलेंगे पा ही, वो बोलेंगे बड़ी ही और उसमें झटका देंगे कि इसको हम कम कर दें। तो ये जो हमने सीखा है वहाँ बेसिक प्रॉब्लम है कि हमने इस तरह से सीखा ही नहीं है उसको बोलना। थैंक यू विनीता जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था कि जब हम भी पढ़ते थे तो उस वक्त में इसको हिंदी में 12 खड़ी पढ़ाई जाती थी और वो 12 खड़ी से इनफैक्ट ये जो छोटी की और बड़ी की मात्रा का जो अंतर है बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया जाता था। सही है। और एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? ओम जी, एक मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन था कि ज्यादातर चौपाइयां तो ऐसी हैं कि जहां पर 16 मात्राएं हैं, लेकिन शायद कुछ चौपाइयां हैं जहां पर या तो 17 मात्रा हैं या 15 मात्रा हैं। तो 15 मात्रा वाली चौपाई में खास करके शायद किसी एक शब्द को या एक अक्षर को हमको उसको जोड़ दे करके बोलना पड़ता है उसकी उसकी पूर्ति के लिए या उसको पूर्ण करने के लिए। कई जगह हैं जहाँ पर मात्राओं की संख्या एग्जैक्टली 16 नहीं है, कहीं 15 है, कहीं 17 है, एक जगह मैंने 14 भी देखी थी, मार्क नहीं गया। तो अगर वो कम होगी तो वो उसको हमें पढ़ते समय उसको नाउ दीज आर ऑल आउटलायर्स यू नो, जैसे तो उसमें हमें वो एक शब्द को खींचना पड़ेगा ये बेसिकली यू नो, जैसे जैसे राम काज की बिना मोही कहाँ विश्राम, राइट? अब ये मान लो ये राम की जगह रम होता है तो रम काज की बिना फिर खुद ही अपने आप से वो रमा काज अपने आप से कुछ हो जाएगा, वो बन जाएगा तो एक वॉवेल है अपने आप वो खिंच जाएगा, वो नहीं खिंचेगा तो खुद को बड़ा फनी सा लगेगा कि यार मैंने। तो सेम विद देयर आर 17 है वहाँ पर किसी वीर को हम लघु के रूप में एंड अप रीडिंग इट, नहीं तभी वो स्किल लाइ बैठती है। So in fact, I would like to give that exercise to some of you want to take it. ऐसी चौपाइयाँ मानस में ढूंढो कि जहाँ पे 16-16 का formula you know is not applicable. So if you can find, maybe you can search on Google if somebody has. I'm sure somebody has done that. But it will be interesting to know कि कहाँ कहाँ। I know सुंदरकांड में 2-3 जगह है क्योंकि हम लोग जब भी सुंदरकांड और मैंने पढ़ा करते थे, अब तो वो भी बंद हो गया thanks to corona. So I always used to note these things. यार ये क्या बवाल है यहाँ पे, शॉर्ट कब पढ़ रहा है? तो उत्तरकांड में मैंने देखा हुआ है, so it's there but नहीं। आज भी आपने जो उदाहरण दिए हैं उसमें से एक चौपाई ऐसी है जिसमें कि 15 मात्राएं हैं। हाँ है, I know है। या तो आपने ऑब्जर्व किया, मुझे डर इस बात का था कुछ पकड़े नहीं मुझे। आपने पकड़े लिया है, I know। Yeah, in fact I want to mention that। और एक में 17 भी हैं, एक में 17 भी हैं। These things happen, you know, so Is it important to know how many matras are there in one? No, not at all. You know, this the reason we were saying that when we read it,
then sometimes we feel that, you know, we are let's say there less, suppose there happened to be less matra, then we will ourselves feel, you know, something is missing, right? So we might have to prolong some vowel or something like that. But yeah, no. See that this is all for all these grammarians and the Vyakaran gurus. We don't need to know all that. So yeah, what our objective today was, can we read a word as is? You know, just like, you know, Prabhupada Swami wrote his commentary, Bhagavad Gita as is, or as it is, the title as is. So what we were saying, that if it is meant to be kahi, then we read it as kahi. If it is meant to be Sankar, then we read it as Sankar. So that was our goal. It was very informative. Thank you so much, Swamiji. I appreciate you taking so much time out to teach us. So in this process, I end up learning all this. I've never done this. So you have done an excellent job, sir. No. Thank you so kindly. Heads off to you. Swamiji. पंचोली जी ने पूछा था इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपसे जो पूरा सीखा एक घंटे के सेशन में, सही और गलत ढंग से एक लाइन को पढ़ के सुनाऊंगी सबको, यदि आपका परमिशन है तो। आप प्लीज सुनाइए ना। ये जो कॉम्बिनेशन एरर है उसकी थर्ड लाइन का है, तो मैं उसको पहले इनकरेक्टली पढ़ के सुनाऊंगी। राम काज पीन है बिनु मोहि कहा विश्राम, ये तो इनकरेक्ट वर्जन हुआ। और सही ढंग से जो मात्राएं हैं छोटे बड़े दीर्घ और लघु के हिसाब से होगा। राम काजु कीन है बिनु मोहि कहा विश्राम, तो ये सही हो। चार जगह जो बताया ना उन्होंने, उसका ये यहाँ पे फर्क है कहने का। हम लोग है ना, मैं अखंड रामायण में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, तो इसलिए रामायण पढ़ने का मुझे बेहद शौक है। और कई घंटे तक ना लोगों को हेल्प चाहिए होती है, तो 4-5 घंटे पढ़ती हूँ 24 घंटे के अंदर ना। और हम राम मंदिर में पढ़े हुए हैं बचपन से कलकत्ते में ना, तो राम जी के बहुत ज्यादा ही प्रेमी है। इसीलिए अब इस बार तो बहुत एक्शन चला है, कोरोना में अपना राम मंदिर भी बना और इतनी आपकी हो रही है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। घर में रह के कुछ करने को सीखने को मिल रहा है, और ये सारी नई इन्फॉर्मेशन है। ये तो हमने तो ऐसे ही शौक से पढ़ते हैं, लेकिन आज ज्ञान तो आगे यूज के बेला जी, आप और बहुत से मित्र जो ज्वाइन हुए हैं, उसमें अक्सर बहुत सारे लोग हैं, बहुत रामायण पढ़ते हैं और बहुत पढ़ते हैं। तो आपको कोई ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व की हो कि जो आज हमने मिस कर दी हो, या जो जिस चीज में इंक्लूड करना चाहिए, या फिर कहीं हमने गलत कहा हो, तो आप मुझे अवश्य बताइए। आप चाहे तो मैं सही है। और धर्मेंद्र जी का जो क्वेश्चन है ना, जैसे हम लोग लगातार रामायण पढ़ते हैं ना, 2-3 टिप्स मैं बोल सकती हूँ जो लोग रामायण पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। एक तो आप ना कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी नहीं पढ़िए, क्योंकि जब हम जल्दीबाजी करते हैं ना तो हम गलत वर्ड पढ़ते हैं। तो रामायण को ना धीरे धीरे पढ़िए, तब आपकी ये डॉट और चंद्र बिंदु और छोटा और बड़ी मात्रा वगैरह एकदम सही निकलेगी, क्योंकि एक एक अक्षर पे एक एक शब्द पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। जैसे इसी लाइन को पढ़ के बताऊंगी मुझे, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, तो ये गलत पढ़ गया। उसी को धीरे धीरे पढ़ेंगे, राम का यकीन है, तो नाक से है भी आया बीच में बिंदी वाला, बिनु मोहि कहा विश्राम, चंद्र बिंदु भी आया। तो धीरे धीरे पढ़िए, मेरी यही टिप, और मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग हर एक अक्षर को, हर एक शब्द को बिल्कुल सही पढ़ेंगे धीरे धीरे। और ये मैं कई बार जैसे बहुत पढ़ती हूँ ना, तो घर में भी प्रैक्टिस करती हूँ इस बात को ना, जल्दी पढ़ के सही पढ़ के, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हम जब रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ना है। तो कई बार मैं गलत भी पढ़ जाती हूँ, जल्दी भी पढ़ती हूँ, तो मैं उसको दोबारा से सही करके पढ़ती हूँ। अग्रवाल चीज ओके बिफोर आई फॉरगेट, फ्रॉम 1st September ट्यूजडे वी आर स्टार्टिंग क्लास ऑन सुंदरकांड। So far 44 people have registered. उसमें हमारा गोल रहेगा कि वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सुंदरकांड लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि सुंदरकांड हम कई लोगों को तो आई एम श्योर आज की सभा में कई लोगों को तो कंटेस्ट होगा, नो दे मेमोराइज्ड एक्चुअली, सो विच इज वंडरफुल, पर आवर गोल विल बी टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड एवरी लाइन। सो इट विल बी सो स्लो प्रोसेस। सम पीपल आस्क्ड मी के अच्छा ये कब खत्म हो जाएगा, मैंने कहा भैया इसके बिगिनिंग है, एंड का मुझे पता नहीं, पर आई होप बाय क्रिसमस टाइम वी माइट फिनिश इट, यू नो, बट यू नो डिपेंड्स अपॉन द कलेक्टिव। ओम जी,
But yeah, my goal is that we finish all of it every Tuesday. So we become but at least we are in. अच्छा किया है जो बताया है sign up for that class उसमें उसका भी एक Google form है और अगर आपको interest और Google form नहीं मिल रहा तो आप मुझे email या message डाल दीजिए then I will send that to you ओम जी मैं अपना एक भाव प्रकट करूं I'm coming you can before I forget these two things क्योंकि अभी Tuesday को आ रहा है मैं अभी से बहुत nervous हूँ I'm not even thought about it. अभी तक तो I was busy preparing for this class. University भी चालू हो गई है, वहाँ भी पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो वो लोग अपने का मन का देना चालू हो गया। ओम जी अनुमति हो तो मैं भी एक दो शब्द बोलना चाहूँगा। I'm coming to you, sir. Coming to you. मैं बोलूँ? Next Saturday तो हमारा weekly meeting होता है. Next Saturday will be the first Saturday of this month. उस दिन भी राम जी विलिंग आई एम प्लानिंग टू स्पीक ऑन अ वेरी क्रिटिकल इम्पोर्टेंट इश्यू कि हमारे उनका क्या हो रहा है वेर इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ डू वी हैंडल एंड व्हाट सम वेरी स्मॉल एफर्ट्स वी हैव मेड तो वो है वाइल दैट सो आई विल बी द ओनली So that then again, I want to have a, you know, interactive dialogue and discussion that, you know, what can be done to take this torch to the next generation and beyond that? Is it all their fault? And both conveniently, we always blame them, you know, things like that, you know, so which I think is not proper. So that will be next Saturday. You know, I thought I will take this opportunity to mention. So some people wanted to speak. So please speak on the topic that we are on. हाँ, कौन बोल बोलना चाहिए? मैं एक अतुल डॉक्टर अतुल कुमार सिंह मैं दिल्ली से हूँ. मैं हाँ एक अभी एक सज्जन किन्होंने पूछा था अनुष्टुप छंद के बारे में. तो हेलो अनुष्टुप छंद के बारे में किन्होंने पूछा था एक सज्जन ने. मैंने पूछा था आशा चांद. हाँ हाँ प्लीज हाँ अनुष्टुप छंद असल में संस्कृत जो रामायण और महाभारत का जो मुख्य छंद है वो अनुष्टुप छंद है. और छंद दो प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वार्णिक छंद एक मात्रिक छंद. तो जैसे रामचरितमानस में अभी ओम जी ने पूरा जो विवरण दिया है वो मात्रिक छंद है, मात्रा गिना जाता है. जैसे रा है तो उसका दो मात्रा हो गया, दीर्घ ईत है तो दो मात्रा हो गया, दीर्घ ऊ है तो दो मात्रा हो गया. लेकिन जो एक जो वार्णिक छंद है जो वर्ण से गिना जाता है उसमें चाहे एक मात्रा हो या दो मात्रा हो एक ही गिना जाएगा. और अनुष्टुप छंद में हर चरण में, चार चरण उसमें भी होते हैं, हर चरण में आठ आठ मात्रा होती हैं, आठ वर्ण उसमें मात्रा न गिन के वर्ण गिनते हैं. जैसे न ही स्वर्ण पुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरियसी. इसमें चारों को अगर गिनेंगे वर्णों को, जो संयुक्त वर्ण है उसको एक ही गिना जाएगा तो आपको आठ 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 मिलेंगे. वही अनुष्टुप छंद है, सबसे अर्लियर छंद है, रामायण का छंद है और सबसे सरल छंद है. सबसे महान बातें जो भारतीय साहित्य में कही गई है वो अनुष्टुप छंद में ही कही गई है. मेरा यही सवाल था कि अनुष्टुप छंद की क्या ऐसी विशेषता है, क्यों जो जितने महत्वपूर्ण वो है श्लोक है वो सब अनुष्टुप छंद में कहे जाते हैं. जी बहुत सरल है, बहुत सीधा है और बहुत जो वाल्मीकि रामायण महाभारत में जो जितनी महान बातें कही गई है सब अनुष्टुप छंद में कही गई है. बाद के जो बहुत जटिल छंद और बहुत विद्वत्तापूर्ण छंद, लंबे लंबे छंद है, उस समय बहुत कम बातें कही गई है. धन्यवाद जी. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल कुमार. वी विल वन डे हैव अ सेशन ऑन छंद हमारे जैन में एंड जिन जी से मेरी बात हुई है. ओम भाई एक आपने जो आज का स्लाइड था उसमें बंद वो वाला स्लाइड आप ला सकते हैं क्या? उसमें मैं कंफ्यूज हूँ. कंफ्यूज तो मैं बहुत ज्यादा इस वाले में. प्लीज बंद नहीं उसमें ऊपर बंद या ये वाला प्लीज. तो इसमें जो बीच के दो हैं
उसमें पहला वाला समझ में आ रहा है, दूसरा वाला हम वन एंड क्वार्टर कह रहे हैं चंद्र बिंदु को, और जो अनुनासिक है उसको हम हाफ कह रहे हैं। अनुनासिक वन एंड क्वार्टर है और जो बंद है वो क्वार्टर, वो अनुस्वार है। So, अनुस्वार को मैं यही अनुस्वार को सॉरी मैंने अनुस्वार को अनुसार एक निर्लाशन अनुस्वार को हम पहली स्लाइड में देख चुके हैं ना, जैसे नंद नहीं उसी को प्लीज वापस उसी उस पर स्लाइड पर दोनों को प्रोनाउंस करके भी जरा मुझको दिखाइए दोनों को बीच वाला को। बध बध में तो कोई नाक का कोई काम नहीं है, बीच वाले दोनों आई वॉन्ट टू डिफरेंस स्लाइड डिफरेंस जो है। सेकेंड वर्ड है बंध बंध और तीसरा थर्ड वर्ड है बंध। तो थर्ड में बा ना ना पूरा जो ना है वो आधा ना है, तो बा हाफ ना इन धा समझे ना। सो लेट मी सी इफ आई हैव हिंदी फॉन्ट हिंदी फॉन्ट बोलना भी दैट डज नॉट मेक सेंस ओम जी हमको भी ये ये दिस सेम एज दिस ये बंद और बंद यू कैन राइट ना आइदर वे यू कैन राइट दिस वे और वी कैन राइट दिस वे राइट। तो वो आधा ना है वहाँ सो हाफ ना अब देख रहे हैं ना। पर यहाँ पर ये सिर्फ नाक का एक साउंड है इसी चीज को अनुनासिक कहते हैं बंद नॉट बंद। तो इसलिए फॉर द फॉर प्रैक्टिकल पर्पज कॉल क्वार्टर क्वार्टर एक चौथाई ना भले I particularly don't like it. This is a quarter. कैसे कहेंगे? But ठीक है, you know, कुछ व्याकरण चारों ने probably समझाने के लोगों का कि भी पूरा ना नहीं है, पर ना तो है जरूर, आधा भी नहीं, आधे से कम है, तो उन्होंने क्वार्टर कह दिया। अब हमें क्वार्टर पसंद नहीं है तो हमको 20% कह सकते हैं, 18% कह सकते हैं, वो अलग बात होगी। But yeah, so बंद आंधी। और एक मेरा और सवाल है, प्लीज तीन जो शाह थे वो प्लीज आप ले आइए। आंधी है, आंधी कहते हैं ना, आंधी आंधी आ रही है। आंधी निवेदन ओम भाई उस स्लाइड के ऊपर है जिसमें तीन शाह थे, शाह शाह। तो अब जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, मेरा निवेदन ये है कि सा थर्ड वाला तो सब समझ में आता है, पहला वाला भी समझ में आता है, और वी कैन नॉट यूज इंटरचेंजेबली फर्स्ट एंड सेकेंड शाह। तो इतने दिग्गज अब अनेक विद्वान हैं आज की उसमें, तो मुझे स्पेशली विशेष तौर से उन दोनों के पहले और दूसरे का स्पेशल प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण सुनना चाहती हूँ। इसी यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि ये हिंदी में तीन तरह के शब्द हैं, राइट? नहीं वो तो समझ में आ रहा है ओम भाई, मैं केवल निवेदन ये कर रही हूँ कि बोलिए। तो पर अवधि में ये जो फर्स्ट टू साउंड्स डोंट एग्जिस्ट, ये दो साउंड है ही नहीं, तो साउंड सिर्फ सा ही है। तो जैसे कि रामायण में हमें ये छोटे दो पहले दो पहले और दूसरा महसूस होता, पहला दूसरा तीसरा पहले दो स या श या श रामायण में हमें मिलेंगे नहीं। तो उसका उससे होता क्या है कि कई बार अब जैसे ये चौपाई थी कहाँ जाए देखी बन शोभा, यही लिखा है रामायण में, पर चूंकि हमें पता है कि हम क्योंकि हमने हिंदी में एमए किया है और पीएचडी किया है, तो हम कह रहे थे गलत, ये तो शोभा है, शोभा थोड़ी है, सही शब्द तो शोभा है ये रहा। तो हम उसको ऐसा पढ़ जाएंगे कहाँ जाए देखिए बन शोभा, वी माइट रीड इट, यू नो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हमको रामायण एज इज पढ़ना है तो हमें उसको शोभा ही पढ़ना पड़ेगा ना कि शोभा। सो दैट वॉज द पर्पज ऑफ दिस स्लाइड, that we want to read it as is, we don't want to put our external knowledge and use that word instead. मैं इसमें जरा बता देना चाहता हूँ मैडम को, ये ओम जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओम जी से बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये रामायण के जो उसमें परिप्रेक्ष्य में हम लोग बिल्कुल, मैं सबको सौ सौ बार प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी अज्ञानता के लिए रियली में मन से ये सुनना चाहती हूँ कि इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन, वही मैं वो मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। ओम जी जो बात बोल रहे हैं वो केवल अवधि ही नहीं, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, आर्य भाषाएं जिसको कहते हैं भाषा विज्ञान में, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, जितनी भी भाषाएं हैं उसमें ये तीनों स की जगह एक ही स का प्रयोग होता है। दो स का प्रयोग आपको संस्कृत में मिलेगा और संस्कृत के बाद फिर हिंदी में आया है, ठीक है।
और तीनों का उच्चारण जो है वो पाणिनि ने अपने व्याकरण में ऋतु रसाणाम मूर्धा जब ये उच्चारण शब्दों का पाणिनि वहां बता रहे हैं तो उस हर वर्ण का उच्चारण स्थान बता रहे हैं। अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसानाम दंतः, लिटु रसानाम मूर्धा। इसमें ये मूर्धा से उच्चारण जो बीच वाला स है धनुष, इसका मुख्य जो उचित उच्चारण होना चाहिए वो हिंदी भाषी कोई नहीं करता है, कहीं नहीं करता है। ये वो उच्चारण से ही गायब हो गया है। वो दक्षिण भारतीय जब हिंदी सीखते हैं तो वो सही उच्चारण करते हैं, वो धनुष बोलेंगे और उसका उच्चारण भी वही है धनुष। और लेकिन हिंदी भाषी उसको पहले वाले स से ही धनुष बोल करके ही चला देते हैं। ये मूर्धा का है उच्चारण और पहले वाले जो स है इसका उच्चारण इचु ऐसा नाम तालु, ये तालु से उच्चारण है। और ये जो तीसरा स है ये दंत है, लिर्तु लसा नाम दंत, ये दंत से दांत से उच्चारण होगा स, इसका होगा स तालु से और इसका उच्चारण होगा मूर्धा से। एकदम जीभ को कंठ के पास ले जाइए और वहां से करिए स। तो ये तीनों का उच्चारण का भेद है, जबकि हिंदी में लगभग ही बीच वाला सब खत्म ही हो गया है उच्चारण में। अब लिखने में तो धनुष लिखते हैं लेकिन पढ़ने में उसको धनुष ही पढ़ते हैं, ये है अंतर। आप एक बार दक्षिण भारतीय वाला बीच वाला उच्चारण एक बार करके और दिखा दीजिए। धनुष, धनुष जो ख और स के बीच का रहेगा, ख और स के बीच का धनुष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी जिज्ञासा बहुत साल से थी क्योंकि थर्ड वाला तो सब पढ़ लेते हैं सा। जी जी जी, ऊपर दोनों वाले में। और जब आप अमेरिकन स्टूडेंट्स को पढ़ाइए तो वो बहुत मतलब आर्गुमेंट करते हैं कि व्हाई वी शुड बिकॉज़ दे एंड दे आर नॉट इंटरचेंजेबली देन दे व्हेन दे प्रोनाउंस द सेम देन व्हाई वी कैन नॉट यूज देम इंटरचेंजेबली। पाणिनि का व्याकरण का अगर वो कर्ता प्रकरण अगर पढ़ा दिया जाए उन अमेरिकन स्टूडेंट को चाहे किसी को भारतीय छात्रों को भी, तो फिर उच्चारण में वो कर्ता प्रकरण अगर समझ लिया तो उसके बाद वो कोई सवाल वो बहुत हायर लेवल की बात है, लोग बहुत चलाऊ चीजें सीखते हैं। नहीं बहुत हायर लेवल नहीं, तो बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बोले 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 शर्मा जी, बोले भाई साहब, मेरी दो बातें हैं। आज का आपका जो सत्र है वो बहुत बहुत आनंददायक और संतुष्ट करने वाला है, उसके लिए आपको बधाई। और मेरे जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ हैं उन सबसे एक विनम्र आग्रह कि आपने आज जो सीखा है वो कम से कम 5 लोगों को जरूर सिखाएं। तो इस सत्र का और रामचरितमानस का और तुलसी का हम बहुत उपकार करेंगे, बस मेरा तो यही है। और ओम जी की ये दक्षिणा रहेगी कि हम लोग 5 लोगों को सिखा दें, बस मेरा एक निवेदन भाई साहब। इसके जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनके तो ईमेल मेरे पास हैं, आई विल सेंड द पावर पॉइंट, यू नो मेरे कोई इसमें मोनोपोली नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस पावर पॉइंट व्हेरेवर यू वांट। आई डोंट, इन फैक्ट आई वुड लाइक यू टू पास इट टू मेनी पीपल सो मोर पीपल नो बेटर इट इज। But if you did not register and you are here today and if you want to get a PowerPoint, आप मुझे जरा ईमेल से या WhatsApp पर मुझे संदेश भेजिए, तो otherwise I will not send। अगर आप PowerPoint चाहिए और आपने register नहीं किया आज की workshop के लिए, then you send me email। अगर जिन्होंने register किया उनको तो सबको मैं भेज दूँगा, ठीक है? चलें आप। ठीक है जी, बोलिए बोलिए please। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज आपने लोगों के साथ हमारे कान भी खोल दिए, और मेरी अब रामचरितमानस में जो श्रद्धा है ना वो सिर्फ एक रामचरितमानस से उस पर नजर से नहीं देखूंगी मैं। ये जो मात्राएं और ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा था कि ऐसा भी पॉसिबल है, तो मैंने तो कल तक ही नहीं सोचा था भगवान जिसको जहाँ ले जाए वो वहाँ पहुँच जाता है। ये मैं तो रोज अनुभव कर रहा हूँ। I never thought in my life that I will be speaking on topics on Ramayana, you know, ये राम जी की पता नहीं क्या मर्जी है कहाँ ले जाएगा। चलिए let's ओम अंकल, मैं भी कुछ बोलूँ प्लीज? हाँ बोलिए ना, बोलिए। नमस्ते अंकल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे लोगों को इतना प्रेरित किया है रामायण पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो आज का मैंने आपके यूथ वाले में पार्टिसिपेट किया था जितना आता था मुझे अपने ज्ञान के अनुसार,
लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सीखा है. आपका पावर पॉइंट बहुत ही इजी और बहुत सरल शब्दों में आपने बताया था अंकल, बहुत ही अच्छा था. और मैंने अपने पूरे परिवार को कन्विंस कर लिया था, तो मेरे सारे पूरे परिवार इसी कमरे में बैठकर सुन रहे हैं और सभी को बहुत अच्छा लगा. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, थैंक यू सो मच. मैंने जैसे शर्मा जी ने कहा था, आई थिंक लेट जस्ट स्प्रेड द वर्ड यू नो टू अदर पीपल, एंड वो ये तो यू नो अच्छी बात है, वो फैलाने में क्या दिक्कत है. इफ यू फील इफ यू थिंक इट्स अ गुड थिंग देन वी शुड स्प्रेड. If you think it's a waste of time, then don't spread it. So kind of you. And look, please suggest, I want to spend, you know, maybe once a month or once every 2 months. On Saturday, we spend on learning something like, education, continuing education, right? So there's something like continuing education. It's kind of professional education. Okay? So I think we should spend maybe once every 2 months is some session on this educational aspect, I think. So what do you think? Aplo kya opinion hai? Is continuing ye ramayan baaki sab kaam hai wo bhi karte rahenge, I'm not opposed to that, par is tarah ka continuing education type activity ho. So I don't have to be the only speaker, there are mujhe jitna main to hamesha jitna kam bolna pade utna zyada pasand karta hu. मेरे विचार से तो वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि हम लोग एड ऑन करते रहेंगे और आपके इस मंच से, जैसे मैं हूं तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है ना कि कुछ वो है संस्थान है कि अगर आपका कोई शंका है आप वहां कर लीजिए कॉल या उनको कांटेक्ट करिए, तो यहाँ जैसे मेरी शंकाओं का समाधान बहुत अच्छा हो जाता है और हम बहुत सुन अच्छे अच्छे विज्ञ जनों को, ज्ञानी लोगों को सुनने से बहुत कुछ लर्न करते हैं. ओम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया. थैंक यू. ज्योति, यू वांटेड टू डू समथिंग, राइट? ज्योति, हाँ, गो अहेड. सर कहना चाहूंगी कि सुन रही थी लेकिन हिंदी के लिए मुझे बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली जिसका मैं उपयोग करूंगी. और आपका बहुत शब्दों में आभार कहना असंभव है, क्योंकि जो जानकारी आपने दी है सर, उस जानकारी से मैं अनछुई थी इतने दिनों तक. और शायद भावों के साथ और ज्ञान के साथ यदि किसी का पठन किया जाए सुंदरकांड, तो वो और भी अद्भुत होगा. मैं हिंदी टीचर हूँ लेकिन फिर भी मुझे कहने में ये कोई भी ग्लानि नहीं हो रही है कि आपसे मैंने सीखा सर सुंदरकांड के विषय में, जो माइनर पॉइंट्स मैंने जाने आज, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आभार कहना चाहूंगी. आई थिंक लेट्स जस्ट क्लोज, क्योंकि अब हम गलत दिशा में जा रहे हैं. तो यहाँ पे बस इस मंच पे हम लोग भगवान राम को याद करें, उनकी पूजा करें, व्यक्ति की क्या पढ़ाई. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम असुतो मा जगद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रत्योर्मा मृदगमय. ओम शांति शांति शांति.